हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी मेरा नाम है इंजमाम खान योर सोशल साइंस फैकल्टी वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल आज मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं हमारी रेस्पेक्टिव फैकल्टी एसएसटी फैकल्टी पंकज सर के साथ सर प्लीज़ हेलो टू वन एंड ऑल मेरा नाम है पंकज सोनी सोशल साइंस फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन आज हम सभी वन शॉट कंप्लीट सोशल साइंस का रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बेसिकली ठीक है सो वो टू तो सब हिंदी में होगा गए इंग्लिश में बायिंग रहेगा बेटा बेसिकली आपको समझना क्या है ये जो एस का वन शॉट रिवीजन हम ले रहे हैं सेवंथ ऑफ मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो अभी बेस्ट ये रहेगा कि हम थ्योरी को थोड़ा साइड में रखते हैं और क्वेश्चंस के जरिए हम उसके आसपास की थ्योरी को या हम ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की हम क्या करेंगे कोशिश, कोशिश करेंगे।, करेंगे तो बेसिकली हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें हमने लिया है आपके मल्टीपल चॉइस भी इसमें हमने रखे हैं वेरी शॉर्ट रखे हैं शॉर्ट भी रखे हैं लॉन्ग आंसर भी रखे हैं केस बेस क्वेश्चन भी रखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मैप वाले क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे रखे हैं क्वेश्चन के जरिए हम इसको पूरा थ्योरी को एस की थ्योरी को जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी जियो इकोनॉमिक्स आपके होने वाली है वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी बच्चे से ज्वाइन हो और सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं क्या मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है और पंकज सर yes. एक बार सर एम आई ऑडिबल ऑल्सो सब लोग फटाफट बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं और हमें सुन पा रहे हैं क्योंकि अभी ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है और जो भी टेक्निकल कोई बात हो तो आप अभी शेयर कर सकते हैं तो बेटा जैसा कि एस में हमारे सिक्स सेक्शन रहते हैं मल्टीपल चॉइस वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग केस बेस्ड और मैप क्वेश्चन yes. तो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो है वो पंकज सर संभालेंगे वो जिम्मा पंकज सर का है पंकज सर बहुत ही बढ़िया उसको एक्सप्लेन करेंगे और लॉन्ग आंसर केस बेस क्वेश्चन में और मैप में मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है समझने की कोशिश करनी है नोटबुक निकाल लो पॉइंट्स में आपको समझना है सारी के सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना एग्जाम ओरिएंटेड है ये जो सेशन है एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है इसको देख के चल जाओगे तो सारा काम हो जाएगा तो अब स्क्रीन जो है और पेन जो है मैं पंकज सर को सौंपता हूँ तो पंकज सर अब संभालेंगे ऑल योर सर थैंक यू थैंक यू सो लेट स्टार्ट अ सेशन विथ एम सी क्यूज अब हम स्टार्टिंग में कुछ एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे उसके बाद हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पर जाएंगे सो लेट्सटार्ट विथ आर फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी पहला क्वेश्चन एम सी क्यू शुरुआत के क्वेश्चन काफ़ी ईजी आने वाले हैं तो लेट्स विथ आर फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटीफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो काफ़ी काफ़ी बार ये क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ा होगा अगर आप ठीक से रिविजन कर रहे हैं आपने सैम्पल पेपर्स उठाए हैं या फिर आप कोई भी रिफ्रेशर या कोई भी अगर आप एनसीआर में भी ठीक से एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाला है सो so, पहला भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे सामने चार एक्ट हैं, इन चारों एक्ट में से ये चार पॉइंट पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि ये कौन सा एक्ट है इस एक्ट की स्पेशलिटी पहला पॉइंट ये कहता है दिस एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ब्रिटिश का वो पार्लियामेंट जहां पर वो कानून बनाया करते थे it gave power to the government that political activities. मतलब कोई भी गतिविधि गतिविधि अगर आप political कर रहे हो तो आपको दबा दिया जाएगा और it का मतलब कि ब्रिटिश सरकार को ये पावर दे दी गई कि अगर कोई भी पॉलिटिकल गतिविधि करता हुआ पाया गया तो उसे हम पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर जेल में डाल देंगे आई होप सबको इसका करेक्ट आंसर पता होगा तो भाई मैं बच्चों से ही उम्मीद कर रहा हूँ कि इन चारों में से फटाफट जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, है? ठीक चलो, Last five seconds. Four, three, two, one. Okay, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा रॉलेट एक्ट अब रॉलेट एक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं रॉलेट एक्ट क्या था भाई गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी मतलब ऑब्वियसली गांधी जी ने इस कानून को काला कानून भी कहा था ब्लैक लॉ भी कहा था क्योंकि आपको दो साल तक जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के ना ही कोई वकील की जरूरत ना ही किसी अपील की जरूरत ना ही किसी दलील की जरूरत ठीक है तो इस वजह से इस कानून को काला कानून भी गांधी जी ने कह दिया था सो so, रॉलेट एक्ट इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट वॉज पास बाय द इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स ऑन द काउंसिल हमने इसका बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी ये एक्ट जो है ये लागू हो गया इट गिव द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोर कंट्रोल टू सप्रेस द मिलिटेंट नेशनल स्ट्रगल एंड टू कटेल द लिबर्टी ऑफ द पीपल मतलब हमारी आज़ादी को कहीं हद तक उन्होंने नुकसान पहुँचाया और जो है ये

इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट दैट डेट्स to 11th सेंचुरी देखो वर्ड ये क्वेश्चन है वाटर रिसोर्स में से और यहाँ वर्ड यूज किया गया है कंजर्वेशन अब पानी को कंजर्व करना ये कोई नई बात तो है नहीं अगर हम हिस्ट्री के कंटेक्स में देखें तो ये हम बिफोर क्राइसरा से करते हुए आ रहे हैं अब अगर आपने फिर से मैं वही बात बोलूंगा अगर एन की एक लाइन पढ़ी है तो ये आंसर भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है तो हमारे पास चार ऑप्शन है डेली भोपाल मुंबई एंड कोल्हापुर तो इसका करेक्ट आंसर हुआ भोपाल ठीक है राजा भोज ने इलेवन सेंचुरी के अंदर ही वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान देना शुरू किया था इसी के साथ आप सब लोग लेक लाइज इन कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल चलो आगे, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि भोज ताल और बहुत ईजी भी है ठीक है इसी टेबल में से आपको दिए हुए चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन पर टिक लगाना है सो कैटेगरी फर्स्ट है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं रीड द गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ ऑफ रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश कौन से अचीवमेंट एजुकेशनल अचीवमेंट भाई कितने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं एजुकेटेड हो रहे हैं सो कैटेगरी फर्स्ट ये है कि लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन मेल 76 फीमेल ओनली 54 लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप कौन सा टेन टू फोर्टीन नाइनटी परसेंट बच्चे जा रहे हैं, मतलब 90 जो है, वो जा रहे हैं और एट्टी सेवन परसेंट जो है, है? टेबल के बाद सवाल क्या है सवाल ये है कि एज पर डेटा लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कहां पर इन रूरल पॉपुलेशन में तो हमें यहीं पर जवाब मिल गया था यह है 54%. तो इसका आंसर क्या होगा फीमेल ठीक है आगे बढ़ते हैं उट ऑफ द्रुप बड़े ईजी इजी क्वेश्चन है और इजी उसी को लगता है जो एनसीआर की एक, एक लाइन पड़ता है जो बच्चा रिविजन इज द की टू सक्सेस रिमेम्बर एवरी वन ये जो लास्ट के दिन है एक दो दिन इनमें हमें पूरा मन लगाकर रिविजन करना है आई होप आप सभी ने नोट वगैरह बनाए होंगे और कुछ पॉइंट्स की पॉइंट वगैरह नोट किए होंगे वही सब आपको दोबारा रिवाइज करने हैं

हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर है वाइल्ड लाइफ भाई अच्छा पॉइंट है ये तो होना ही चाहिए जिसकी वजह से सर मेरे दोस्तों को लाइव में लेकर आता हूं उनको पढ़ना है आप उसी में आ, उसी से चीटिंग करके आंसर्स क्या लिख रहे हो ठीक है ठीक है आप बुला लो अपने दोस्तों को ठीक है ठीक है मैं उनको भी पढ़ा दूंगा आगे बैनिंग हंटिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन कर दो गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ भाई अच्छी बात है हमको वाइल्ड लाइफ मतलब बेसिकली टस्क हो गया एनिमल टस्क हो गया या फिर बाकी दूसरी जो आ, पोचिंग जो एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है टाइगर्स की कहते हैं कि टाइगर्स की हड्डियों से दवाइयाँ बना करती थी और एज़ यू हैव ऑलरेडी लर्न इन नाइन्थ स्टैंडर्ड कि एज अ ट्रोफी टाइगर्स की जो स्किन है उसको एज अ ट्रॉफी दिया जाता था तो काफ़ी पुराने ही समय से टाइगर्स की हंटिंग जो है वो चलती हुई आ रही थी उस पर हमें रोक लगाना चाहिए प्रोबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इन टू द फॉरेस्ट एरिया वो केस पर हम बाद में ध्यान देंगे इस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्कस अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि टाइगर्स को उनका हैबिटेट मिल सके उनको रहने के लिए वातावरण मिल सके उनका सूटेबल ठीक है और बेसिकली वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स में आपको डिफरेंट शीट भी आता ही होगा एक है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ठीक है आगे चलते फटाफट कंजर्विंग फॉरेस्ट इंटू सॉरी कन्वर्टिंग फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड सो चार ऑप्शन दिए हैं वन टू आर करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट बी है स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट सही आंसर है इसका डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ठीक है क्योंकि प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑन पब्लिक इन टू द फॉरेस्ट एरिया ये इसका सही आंसर इस पर हम टिक

ऑफ लोकल कम्युनिटी विल नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन अगर आप लोगों का आना जाना जंगल में बंद कर दोगे उससे कोई मदद नहीं मिलेगी तो अगर हम दिए हुए बाकी के जो तीनों को हम करेंगे, तो हो सकता है कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सकें चलो आगे चलते हैं यूरोपियन यूनियन डैश वॉज चूजन एज एट भाई पावर शेयरिंग से इंस्पायर देखो बेल्जियम ने जो किया वो परफेक्ट एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग का उससे इंस्पायर हुआ पूरी पूरी दुनिया, उससे पूरी दुनिया दुनिया उससे इंस्पायर हुई और पूरी दुनिया तो बेसिकली उस टाइम पर जब यूएन फॉर्म किया गया तो ब्रूसल्स को उसका क्या बनाया गया हेडक्वार्ट आई होप आप सभी ने यह बात भी एनसीआरटी में पढ़ी होगी इसका सही आंसर क्या है ब्रूसल्स वेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टूगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन डैश वॉज चूजन एज द करेक्ट आंसर इज ब्रूसल्स आगे ब्रूसल्स वॉज चूजन एज अ established the headquarters of the European Union because it displayed the perfect example of power sharing ka, among the different linguistic and ethnic communities. Theak? Next, Iske baad. which of the following statements accurately distinguishes between majoritarianism and power sharing?

पढ़ते हैं। exam, uh, इसका अभी groups, भी हो सकते हैं स्टेट भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं पावर को शेयर करने से याद है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल याद आ गया होगा इसके दो पॉइंट्स भी याद आ गए होंगे एक था मॉरल रीजन एक था प्रोडेंशियल रीजन मॉरल रीजन हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मॉरल रीजन हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि बेसिकली ऐसा तो होता ही है ना देखो डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर पावर तो शेयर होगी ही ये कुछ इस तरह से है कि जैसे अगर बच्चा अच्छा है तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि वो टाइम पर होमवर्क भी करेगा ठीक है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेगा सैंपल पेपर भी सॉल्व करेगा ठीक है सिर्फ एग्जाम टाइम पे नहीं लगभग हर महीने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी वो सॉल्व करेगा मतलब मन लगाकर पढ़ाई करेगा आठ घंटे कम से कम पढ़ाई को देगा तो दिस इज ऑब्वियस तो ये हो गया हमारा मॉरल रीजन क्या कि भाई डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे पावर तो शेयर होगी ही दूसरा होता है प्रोडेंशियल रीजन अब प्रोडेंशियल रीजन का मतलब है कि बेसिकली मैं ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि कंफ्लिक्ट सॉल्व हो जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं घर पर बैठे हैं पापा मम्मी बाहर चले गए घूमने तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों को घर पर छोड़ के गए लेकिन पावर को डिवाइड पावर को शेयर करके नहीं गए तो सारा काम घर का कौन कर रहा है छोटा भाई तो बड़ा भाई अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है इसको मैं बोल सकता हूँ मेजोरिटनिज्म एक एग्जाम्पल के फॉर्म में और वहीं अगर पापा काम बांट कर चले जाते कि भाई पौधों को पानी छोटा भाई देगा दूध बड़ा भाई लेकर के आएगा साफ सफाई छोटा भाई करेगा जो भी काम है अगर वो डिवाइड करके चले जाते तो उससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता इसलिए पावर शेयरिंग का मतलब इसलिए हम कहेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इट आल्सो रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट और ये इसका कौन सा रीजन है प्रोडेंशियल रीजन है

कमेंट सेक्शन में बच्चे सर ने जो सवाल पूछा हाँ बेटा ये सैम्पल पेपर की क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव को समझिए बच्चों ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन करवाने हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वेश्चंस के जरिए हमें पूरे सिलेबस को एक बार क्या करना है रिवाइज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप ऑनलाइन आओ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ अपने सभी दोस्तों में शेयर करो क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हम लेके आए हैं और पार्टिसिपेट करिए क्विज़ के अंदर जो ब, जो सर सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन हो रहा है बहुत ही शानदार फैकल्टी आपके साथ जुड़ी हुई है बच्चों आपको बस एक काम करना है कि यहाँ पे बैठ के जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है और कॉमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको बेटा इसमें कॉमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंसर हो सके तो मैं देता हूँ पंकज सर को थोड़ी सी देर में ठीक है थैंक यू बेटा ओफ इसका तो सही आंसर टिक भी हो चुका है बच्चे चलो ठीक है जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है चलो इसका सही आंसर सबको पता लगी गया इसका सही आंसर है ए सो मेजोरिटीनिज्म एम्फेसाइज द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी मेजोरिटीनिज्म एक आइडियोलॉजी देखो आगे क्या लिखा हुआ है आईएसएम आईएसएम का मतलब है कि ये एक आइडियोलॉजी है मैंने कई बार डिस्कस किया होगा पहले भी कि मिज... एक सेकेंड भई जहां कहीं पे आईज्म लिखा जाए आईज्म का मतलब है कि ये एक आइडियोलॉजी है ये एक विचारधारा है मेजॉरिटिज्म एक आइडियोलॉजी जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो कम्युनिटी है वही देश पर राज करेगी वही देश के लिए कानून बनाएगी और वो माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचेगी इजंट इट ठीक है तो मेजॉरिटेरिज्म Right के पास अधिकार होगा जो भी मेजोरिटी ग्रुप में होगा जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी का जो होगी वही कानून बनाएगी टू बेनिफिट दमसेल्स एंड असर्ट देयर डोमिन माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो मानना पड़ेगा ठीक है पावर शेयरिंग इनवॉल्व अ पावर शेयरिंग बिल्कुल उल्टा है बल्कि ये तो सोल्यूशन है अगर मेजोरिटी निज्म प्रॉब्लम है तो पावर शेयरिंग उसका सल्यूशन है पावर शेयरिंग इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिटी अमंग डिफ्रेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रुप्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्सन रीजन बहुत ही मतलब यू you नो know, काफी सारे असर्सन रीजन आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे

पॉलिटिकल इक्वलिटी अब जरा पॉलिटिकल इक्वलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ गरीब है ठीक है अलग अलग क्लासेस हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं डिविजन you know? तो है ठीक है बट is जब बात आती है वोटिंग की जब बात आती है देश की सरकार चुनने की तो हम सब क्या हो जाते हैं इक्वल हम सभी के पास राइट टू वोट है हर व्यक्ति जो 18 से ज्यादा उम्र का है वो सभी जाएंगे और वोट

इसका सही आंसर क्या है ओहो, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो यह टाइम पढ़ाई लिखाई करने का है चलो ठीक है आगे चलते हैं। इसका सही आंसर है ए बोथ एन आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है, डेमोक्रेसीज़ आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टिंग

का क्वेश्चन आ गया भाई। जल्दी से जल्दी मैक्स सभी बच्चे जुड़ जाएं और मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से चाहिए चैट बॉक्स के अंदर फटाफट कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा राहुल हैज़ ऑफ़ कॉटन बट ही इज इन नीड ऑफ वीट एंड अनुश कॉटन

उसको शूज बेचने हैं और मुझे पेन बेचना है यह संजोग की बात है कि मुझे पेन नहीं चाहिए किसी को देना है और मुझे और बेसिकली बात यह कि मुझे भी तो शूज चाहिए होने चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को भी तो पेन चाहिए होना चाहिए अगर उसको पेन नहीं चाहिए मुझे शूज नहीं चाहिए तो यह ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं और जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को क्या कर दिया खत्म कर दिया अब मैं पेन बेच दूंगा पैसे ले लूंगा और उस पैसे से मैं जूते खरीद लूंगा वो सामने वाला व्यक्ति भी अपने जूते बेच देगा ठीक है और क्या ले लेगा पैसे और उस पैसे से पेन खरीद लेगा या जो भी उसे खरीदना है वो खरीद सकता है तो डबल ऑफ यहां पर था इसीलिए ये हो गया दे नॉट एक्सचेंज ऑफ गुड्स नॉट डबल ऑफ वॉन्ट एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी डबल क्या लिखा है लोन ऑन कमोडिटी आगे लिखा डबल कॉन्डेंस ऑफ वॉन्ट मनी क्या लगता है तुम्हें इसका इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या है चलो, हाँ, इसका है double coincidence of want. ठीक है है चलो ठीक एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बोथ बायर और सेलर एग्री करते हैं एक्सचेंज करने के लिए उनके प्रोडक्ट को ईच अदर टू फुलफिल देयर कंजप्शन डिमांड फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर एग्रीज टू गिव मिल्क फ्रॉम अ पोल्ट्री फार्म इन रिटर्न फॉर गिविंग हेम इज सर क्रॉप विच द पोल्ट्री फार्म एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पर इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे आप यह चीज समझ सकते हैं कि डबल को खत्म करने का एकमात्र साधन है वह है मनी पैसा इंट्रोड्यूस हो जाए ठीक है okay. आगे चलते हैं नाइन्थ यू आर अटीजन आई होप पिछले आठ क्वेश्चन आप सभी ने

जिसके uh, पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो वो मनमानी भी कर सकता है वो किसी को दबा भी सकता है वो मेजोरिटीज्म को भी फॉलो कर सकता है ऐसा be so होना चाहिए देखो आपको इंश्योर करना है कि आपके देश के अंदर क्या योर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन कंट्रीज इफेक्टिव कब होगा जब सारी पावर एक के हाथ में होगी या पावर को क्या कर दूं मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं जल्दी बताओ पावर बांटने से देश चलता है या किसी एक के हाथ में राजा की तरह भाई पहले भी राजा महाराजा राज करते थे अभी भी वही राज करते हैं क्या फायदा बेटा अभी समझाया थोड़ी देर पहले एक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग ही देश पर राज करेंगे वही देश के लिए कानून बनाएंगे और वो माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे ठीक है वो माइनॉरिटी पर थोपेंगे चीजें ठीक भाई जो हमारे जैसे आपने देखा था कि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला भाषा को ही प्रमोट किया गया था ठीक है जो दूसरे तमिलियंस थे उनको ही बोला गया कि आपको बुद्धिज्म ही फॉलो करना है, क्योंकि पे सिनाला को करते थे और ये भी बोला गया था कि आपको सिनाला, बेसिकली जो सिनाला बोलते थे आई होप ये सारी बातें वेरी गुड शाबाश पावर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी यही इसका सही आंसर है सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं

द क्वेश्चन आस्क अबाउट द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ब्रांचेस क्या लिखा है देखो अब यहीं पर एक और चीज हम रिवाइज कर लेते हैं वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ठीक है फॉर्म्स ऑफ पावर 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 शेयरिंग 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 अगर power sharing के पहले मैं दो बेसिक फॉर्म्स डिस्कस करूंगा वो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नाउ व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग जहां पर पावर शेयर हो रही है अमंग डिफरेंट लेवल्स याद रखना अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल ठीक है अर्बन लोकल एंड रूरल लोकल उसके बाद फॉर्म ऑफ पावर शेयर खींच दी तो क्या हो गया एक जुडिशियरी लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो बने हुए कानून है उनको एग्जीक्यूट करना जो ठीक से काम नहीं करेगा जुडिशरी उसे सजा देगी तो पावर को शेयर करके अगर दिस इज आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस क्योंकि यहां पर पावर जो है किसी के पास में मतलब किसी भी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है सर विल बी डोंट वरी, ओके। ओके वेलकम, आगे आगे चलते हैं इसके बाद द क्वेश्चन आस्ट अबाउट द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट एंड नॉट लेवल्स पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स branches of government legislative executive and judiciary is essential each branch must have its own set of responsibility they must not interfere in each other works but the system of check and balance must be in place theek hai koi bhi kisi ke kaam mein dakhal andazi nahi dega lekin system of check and balances chalta rehna chahiye har ek organ dusre organ par check rakh sakta hai in fact इसका perfect example अभी समझ में आ जाएगा जैसे कि कोई नेता हो चाहे legislature का या फिर कोई बड़े से बड़ा officer हो कहाँ का executive का judiciary उनको भी सजा

831 रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ गए थे किसके पास गए थे जर्मन बहुत सारे जर्मन स्टेट्स उनमें से सबसे उन ज़्यादा सब पावरफुल स्टेट कौन सा था पुरुषा पुरुषा के के उसने मना कर दिया ए, ए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि हेल्ड हुआ था कहा सेंट पॉल चर्च में चलो वेरी गुड बहुत इजी आंसर है चलो आंसर विल सून ठीक है चलो वेरी गुड नाउ रिश्त क्या है जर्मनी के पार्लियामेंट को कहते थे उसके बाद ड्यूमा ड्यूमा रशिया के पार्लियामेंट को कहते थे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर वुमेन्स का क्या रोल था आई होप आप सभी को पता है कि वो सिर्फ ऊपर एक बिल्कुल ऑब्जर्व की तरह वहां थी जो भी वहां पर डिसीजन होता उस डिसीजन को वुमेन्स भी स्वीकार करके और अपने अपने घर चली जाती यस वेरी गुड सेंट पॉल चर्च में ये फ्रेंक पार्लियामेंट हेल्ड किया गया था आगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हुए जो, जो कहा हो रहा है ठीक है, है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्वीकार करने से पुरुषा के राजा मना कर देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे राजाओं को चलो आगे बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसज कैपिटल आइडियाज एंड पीपल मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है इंटरकटेक्टिवनेस आज मैं यहाँ इंडिया के अंदर बैठ के यू एस के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाला कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बैठ के मंगा सकता हूँ बड़े आसानी से दिस इज ग्लोबलाइजेशन ठीक और यहाँ से इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं और यू एस के अंदर जॉब करते हैं दिस इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ एक्सचेंज नहीं होता गुड्स और सर्विसेज बल्कि मतलब लोग भी एक्सचेंज होते हैं आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं तो अगर मैं हिस्ट्री के, के कंटेक्ट से बात करूँ तो ग्लोबलाइजेशन सिल्क रूट के जमाने से मतलब लगभग आज से पांच हजार साल पहले भी ग्लोबलाइजेशन था लेकिन थोड़ा स्लो था अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन रैपिड ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा क्योंकि स्पीड काफी बदल गई है तेज हो गई है यस इंटीग्रेशन मिलजुल मतलब इंटीग्रेशन मतलब मिल जाना मिलजुल मतलब एक देश है यूएसए वहां की एक कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है चाइना में और बेचती है इंडिया में आकर के तो यहाँ पर तीन देश का कल्चर तीन देशों के लोग तीन देशों के कंट्रीज you know, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सोल्ड बाय द लोकल वेंडर्स रन बाय इंडियन गवर्नमेंट देखो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा एक है एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पोर्टल है गुड्स का सोल्ड बाय लोकल वेंडर जो है उसको बेच रहा है और उसको चला कौन रहा है इंडियन

कहाँ प्रोडक्ट बेच रही है इंडिया के अंदर और ये प्रड़... और ये प्रोडक्ट बने कहाँ है ये बने हैं चाइना के अंदर ठीक है तो थ्री डिफरेंट कंट्रीज एंड मार्केट्स तीन डिफरेंट डिफरेंट देशों के मार्केट जो है यहाँ पर आपको लिंक्ड होते हुए लिंक होते हुए दिखाई देंगे अक्रॉस द फिजिकल बॉर्डर थ्रू सप्लाई चेन्स एंड इंटीग्रेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अब ऑब्वियसली जब तीन देश एक साथ इंटीग्रेट हुए हैं तो उनको कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ी होगी ठीक है उसके बाद सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन इन सभी सर्विसेज की जरूरत पड़ी होगी चलो आगे चलते हैं थैंक यू सो मच आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर द इंडियन इंडियन मासेस मासेस विलिंगली पार्टिसिपेटेड इन डिसोबिड मूवमेंट सी डी एम में पार्टिसिपेट किया उन्होंने इसके अलावा डिस्पाइट द चैलेंजिंग फेस ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट देखना इस बात इस सेंटेंस के सार को समझने की कोशिश करते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ लेकिन क्या वो सक्सेसफुल था नहीं वो नाइन हम देख हमने देखा कि ट्वेंटी टू के अंदर चौरी चौरा मूवमेंट जो हुआ तो उसके बाद एन सी एम क्या हो गया बंद हो गया फिर भी हमने हार नहीं मानी भाई अगर हमें फेलियर मिला है इसका मतलब यह नहीं कि हम फेल हो चुके हैं हम फेल हो गए लेकिन हम उठेंगे वापस और मेहनत करेंगे और दोबारा इस बार डबल मेहनत करेंगे ट्रिपल मेहनत करेंगे आ, भाई मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा यह बात तो हम सब जानते हैं इसी इसी बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए मतलब एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ हमने वापस क्या शुरू किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू किया ठीक है इसके बाद अब देखते हैं कि अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट नीचे दिए गए कोर्ट में से कौन सा कोर्ट बेस्ट सूट करता है इसके लिए बेस्ट रिफ्लेक्ट दुक ऑफ द्लोरी ऑफरी इन लिविंग लाइज नॉट इन बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल कि भाई बड़ी बात तो यह है अगर हम चलो हम गिर गए कोई बात नहीं गिर गए चलते गिर जाते हैं बट अच्छा यह है कि हम वापस उठे और अपने टारगेट को अचीव करें एन आई फॉर एन आई ओनली एंड ऑफ मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड आंख के बदले आंख पूरे पूरी दुनिया को अंधा कर देगी इन जस्टिस एनी वेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरी वेयर ठीक है मतलब ऑब्वियसली इन जस्टिस एनी वेयर अगर कहीं पर भी आ, ना इंसाफी हो रही है तो सीधी सी बात है इसका मतलब हर जगह तो इंसाफ नहीं है ठीक है तो ओबिडियंस इज द की टू पीसफुल सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इनवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल ठीक

नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर हम कॉरपोरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को भाई वो जो भी बातें हमसे मतलब हमने उनका सहयोग करना बंद कर दिया क्योंकि हमको एक बात हमने पढ़ी थी एनसीआरटी में कि भाई महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप एक साल इनको कॉपोरेट करना बंद कर दो तो ये साल भर में यहीं से चले जाते क्योंकि हमने इनको सहयोग किया हमने इनके साथ कॉपरेशन दिखाया इसीलिए ये मतलब हमें एक्सप्लॉइट कर पाए अगर हम इनको कॉपरेट ही नहीं करते तो ये हमें एक्सप्लॉइट किया ये तो एक साल में यहाँ से चले जाते दूसरी तरफ

आप सभी ने अपने अपने एनसीआर में हिस्ट्री एनसीआर टी में यह पिक्चर देखी होगी ठीक अब इसमें आपको यह ऑब्जर्व करना है पेंटिंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिपिक्ट इन द पेंटिंग सीम कॉन्फ्लिक्टिंग विवादजनक, व्हेन वेन प्रेजेंटेड टूगेदर इसमें से कौन से ऐसे दो एलिमेंट है जिनको साथ में रखने पर विवाद खड़ा हो सकता है ठीक है अब इस पिक्चर को हम जरा ध्यान से देखेंगे द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश कॉलोनी स्प्रेड इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट हमने देखा कि कौन सी ब्रिटिश कॉलोनीज जो है ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं वो पूरी दुनिया में है लगभग ये तो आप सभी को पता है कि जो भी देश क्रिकेट खेलता है वो सब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी प्रजेंटेड बहुत ही आसान है ये तो पहचानना ठीक है जो भी क्रिकेट खेलता है सब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है लगभग पूरी दुनिया में पचास से ऊपर देश जो आज हैं वो पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे तो चारों तरफ क्या है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स ठीक है ईस्ट और वेस्ट में द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड कॉस्ट्यूम फिगर डिपिक्टेड कंट्रीज एंड देयर पीपल ठीक है उसके बाद ब्रिटानिया ब्रिटानिया क्या है एलोगोरी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ठीक है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी बेजान चीज में जान डाल देना तो हम बेसिकली भारत माता को भी पर्सोनिफाई करते हैं उसी प्रकार जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ब्रिटेनिका में आपने जर्मेनिया के बारे में तो और मरियाने के बारे में भी पढ़ा ही होगा दर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो ब्रिटानिया है वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बैठे हैं पूरी दुनिया के और पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं सीटेड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द एंड द वर्ल्ड फेडरेशन रिटन ऑन द टॉप ऑफ द इमेज द वर्ड फ्रीडम एंड फेटरिटी कौन कौन से वर्ड फ्रीडम एंड फेटरिटी रिटन एट द टॉप एंड एटलास्ट डिपेक्ट ह्यूमन लेबर होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर भाई ऐसा है कि क्या ब्रिटेन ही पूरी दुनिया को अपने कंधों पर क्या basically क्या बेसिकली पूरी दुनिया का बोझ सिर्फ ब्रिटेन के कंधों पर था और अगर ऐसा था तो बेसिकली देखो ब्रिटिश यहाँ पर ब्रिटेन जिस तरीके की बातें कर रहा है दरअसल वो असल में ऐसा नहीं था वहां पर भी इंटेंजेंट लेबर फॉलो की जाती थी वहां पर भी स्लेवरी की जाती थी अगर इतनी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर

टर्म फ्रीडम एंड फर्टरिटी आर शोन ऑफिश ग्रिटिश बिलव इन कॉन्स ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम इक्वलिटी एंड फर्टरिटी अमंग ने अक्रॉस द वर्ल्ड अब जरा सच्चाई देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड इंटेंजेड लेबर फॉर centuries. कई सदियों तक तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस की है slavery और इंटेंजन की बंदुआ, को आ, मैं कहूंगा कि, प्रमोट किया है द लेबर क्लास इन इंग्लैंड स्पेशली अगर बात करूँ कि उस टाइम पर जो भी शासन काल था उसके अंदर बेसिकली वो शासन काल था किसका वो था फ्यूडल लॉर्ड्स का एंटरप्रोर्स का एंड राइजिंग मिडिल क्लास नाउ हु उसके लिए फ्यूडल सिस्टम भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पर जिम्मेदारी सिस्टम था उसी तरह से वहां पर फ्यूडल सिस्टम था जहां पर राजा एक फ्यूडल लॉर्ड बना देगा वो सभी लोगों से टैक्से इकट्ठे करेगा और फिर जो है वो टैक्स वो राजा तक पहुंचाएगा तो ये जो फ्यूडलिज्म था ये जो फ्यूडल लॉर्ड था उन्हीं का उस टाइम पे राज था एंटरप्रेन्योर्स दे आर बेसिकली नोबल्स एंटरप्रेन्योर्स हो गए और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं ठीक है उन्हीं का राज चल रहा था उस राज में हम देखेंगे कि जो लेबर क्लास लोग इंग्लैंड के अंदर वो परेशान थी परेशान होकर वो खुद क्या हो गए देश को छोड़कर चले गए क्योंकि दो टाइम का खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा था नाउ ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट ठीक है आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा आगे चलते हैं अच्छा ओके 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 ओके

ठीक है जब से प्रिंटिंग आई तो प्रिंटिंग ने एक रेवोल्यूशन सा ला दिया कि अब हर लोगों के पास जो भी पहले देखो पहले प्रिंट जो था वो सिर्फ अमीर लोगों के ही नसीब में था जो पढ़े लिखे लोग थे जो अमीर लोग थे वही क्या कर सकते थे वही किताबें खरीद सकते थे लेकिन जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो अब जो आम आदमी है वो भी किताबें पढ़ रहा है ठीक है एजेंटेड तो बहुत सारी किताबें प्रोड्यूस होने लगी प्रिंटिंग इनेबल तो जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वो प्रोड्यूस करने लगे कमेंट करने लगे ठीक है एवेल करने लगे टेक्स को विच स्प्रेड द आइडियाज अक्रॉस द यूरोप उनके जो विचार हैं किसी और सुनो कोई भी किताब पढ़कर कोई भी ज्ञान हासिल करके आपका अलग मतलब बेसिकली जब आप किसी किताब को पढ़ते हो तो उसको समझने का तरीका हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें किसकी जैसे हम बात करें प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की ही

तो ये स्टेटमेंट भी सही है और यही इसका रीजन है क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से जो इंटेलैक्स है वो प्रोड्यूस करने लगे कमेंट करने लगे और इवेल करने लगे टेक्स्ट टेक्स्ट को 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 और अपने अपने आइडियाज जो कि चारों तरफ यूरोप में फैले द प्रिंट रेवल्यूशन कम्पलीटली चेंजेज द वे ऑफ नॉलेज इज स्टोर्ड ऑब्जर्व एंड रिसीव अर्लीयर क्लासेस पहले सिर्फ कुछ ही क्लासेस और कम्युनिटीज जो है वो अफोर्ड करती थी लिखना बाद में इन्वेंशन हुई किसकी क्विक मैकेनिज्म यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया नॉलेज स्टोर इन बुक अब किताबों में नॉलेज स्टोर करके रख जा सकती है कुड भी कॉपीड वो कॉपी की जा सकती है और डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकती है गरीब से गरीब व्यक्ति के पास एंड लीस्ट डेवलप्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी एंड एनलाइटमेंट देम एंड गिविंग प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट देयर ओन ओपिनियंस मतलब प्रिंट रेवोल्यूशन ने मिडिल क्लास को भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो अपने भी विचार जो है वो किताबों में लिख कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं सेल्फ रीडिंग ग्रू एंड लीड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ये बात भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी मार्टिन लूथर वाली बात आप सबको याद होगी आगे चलते हैं गुड इवनिंग फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया

राज्य के अंदर सिर्फ एक भाषा नहीं कई सारी भाषाएं हैं उसको लेकर के अलग अलग लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं और फिर अपनी अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर की बातें करेंगे डायवर्सिटी डायवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज बिलीफ कल्चर एंड लाइफ स्टाइल लेड टू द ग्रोथ ऑफ द मल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया ठीक है विथ ईच पार्टी स्ट्राइविंग अप अप्राइविंग टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ दियर ओन कम्युनिटी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होंगे वो अपनी कम्युनिटी के बारे में सबसे ज्यादा 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 कानून मतलब यू you नो know, कानून व्यवस्था यानी कि उनके ही इंटरेस्ट की बात करेंगे अलॉन्ग अदर लाइक माइंडेड ग्रुप्स एवरी वन रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड पोटेंशियली सर्व एज अ ट्रेड बैरियर क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट Could be serve as a trade आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रेड बैरियर की तरह काम करेगा नाउ व्हाट इज ट्रेड बैरियर भाई इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यही कहलाता है क्या ट्रेड बैरियर मतलब व्यापार करने में परेशानी आना बैरियर मतलब उसके आगे बाधा आ जाना कैसे आएगी से जब हम टैक्सेस बढ़ा देंगे किस पे? हमारे देश में जब तो वो हमारे देश में ही नहीं करेंगे ट्वेंटी रुपीज की आपको ट्वेंटी रुपीज में उसको खरीदेगा नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हमें आपके देश में अगर व्यापार करने का ठीक है नाउ स्टैंड एक्सपोर्ट सब्सिड सब्सिडीज सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंटिंग हायर देखो ये तो अच्छी अच्छी बातें ठीक है स्ट्रेंथिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज सिम्पलीफाइंग कस्टम प्रोसीजर्स एंड प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस ग्लोबली लेकिन ये जो सी वाला पॉइंट है इंप्लीमेंटिंग हायर टेरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली ट्रेड बैरियर्स आ जाएंगे और हम जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है अगर हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना है तो एलपीजी याद होगा सबको लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यस सी इज द करेक्ट आंसर

दस दे आर इन द मार्केट डिक्रीजेस तो उनका कोई उनका जो कॉम्पिटिशन है वो भी कम हो जाएगा एजेंटेड मतलब जो चीज अगर आपको टेन टू फिफ्टीन रुपीज में मिल रही है आप उसको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव रुपीज में क्यों लोगे ठीक है आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ भी जाओगे एग्जाम्पल एक एक दे रहा हूँ इट इज ओनली ट्रेड नेक्स्ट गिवेन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाई नीलब बैनर्जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है

शी वर्क शी इज अ डी ऐसा बाहर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं मतलब ये इतना सारा काम कर रहे हैं ये बच्चों को संभाल रही है ये फ्यूल वुड भी इकट्ठा कर रही है वो भी संभाल रही है लेकिन स्टिल कोई देख करके क्या बोल रहा है इनको कि ये ये तो कोई काम ही नहीं करती है तो क्या है ये तो हाउस वाइफ है इसका मतलब आपको जनरल जेंडरिजन कास्ट का कुछ भी कंटेंट पढ़ा हुआ आई होप आपको जनरल लिजन कास्ट याद आ गया होगा ठीक है उसमें ही हमने देखा था क्या देखा था कि देर इज अक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो औरतें घर में काम करती है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता उसको लेबर में काउंट ही नहीं करते हैं ठीक है वट इज द कार्टून ट्राइंग टू डिपेंड द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया मिल गया आंसर नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिवीजन बिल्कुल नहीं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज डन बाय वुमेन इन रूरल एरियाज द एबिलिटी ऑफ मैन टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू डोमेस्टिक वर्क एज वुमेन आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया होगा द करेट आंसर इज ए द सेक्सुअल दिवीजन ऑफ लेबर इन

द पब्लिक एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यो रियल पावर एंड इंफ्लुस इन दवर्नमेंट गलत है दे सर्व लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस यह भी गलत बात है और इसका सही आंसर है दरअसल बी क्यों क्योंकि वही जिम्मेदार है ठीक है दे एक्ट एज अकाउंटेबल टू दब्लिक एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ़ द

सिव और तीसरा लिजिटीमेट गवर्नमेंट ये तीनों ही फैक्टर आपको यहाँ पर समझने चाहिए देखो जिस गवर्नमेंट को हम चुनते हैं वो हमारे लिए जिम्मेदार भी होती है वो अकाउंटेबिलिटी होती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले चलो से अगर आपका कोई दोस्त है उसको आप आपके घर पर छोड़कर चले गए और बाहर चले गए घूमने वापस आए और आपने देखा कि फिर घर में हो गई चोरी तो हु इज रिस्पॉन्सिबल किसके अकाउंटेबिलिटी बनती है आपके दोस्त की सिमिलरली

झगड़ रहे हो कि भाई इस एमसीक्यू का आंसर तो ए है दूसरा कह रहा है बी तीसरा कह रहा है सी मैं आया मैंने बोला इसका आंसर डी है दिस इज द लेजिटिमेसी ठीक है कि जो भी डिसीजन आया है डेमोक्रेसी के अंदर उसको हम सब लोग मिलकर एक्सेप्ट करते हैं आगे अब हम शुरुआत करेंगे हमारे कुछ ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे आगे ट्वेंटी सेवन लेट स्टार्ट विथ वेरी शॉर्ट आंसर्स ठीक है तो अभी हमारा सारे एमसीक्यूज यानी कि अब आपको यह आइडिया तो हो चुका है कि किस तरह के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक टिप मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि इन सभी एमसीक्यूज का आंसर आप अपने आंसर शीट में डी लिखकर ही दें क्योंकि अगर आप पूरा आंसर लिखोगे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम अगर आपके पास समय बच जाए तो आप ऑप्शंस के आगे उनका करेक्ट आंसर भी लिख दीजिए एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए आंसर शीट में ए बी सी डी में आंसर दीजिएगा आपका समय काफी बचेगा अब चलो आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ नाउ वेरी शॉर्ट आंसर्स की वर्ड लिमिट है फोर्टी वर्ड्स रिमेंबर इट आपको चालीस शब्द से ज्यादा नहीं लिखने हैं यानी कि आपको दो पॉइंट लिखने हैं

ठीक है बिना किसी हथियार के बिना किसी हथियार को उठाए यूरोपियंस ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था अमेरिका को कर लिया था कैसे यह भी हम अभी आगे देखेंगे आई होप ऐसे पता होगा क्या था स्मॉल पॉक्स आंसर था इसका स्मॉल पॉक्स की मदद से स्पेनिश ने कॉन्क्र कर लिया किसको अमेरिका को ठीक है बिना किसी बिना किसी बंदूक के बिना किसी वेपन के उन लोगों ने जोम्स के थ्रू कॉन्क्र कर लिया किसको अमेरिका को और अमेरिका के जो लोग थे वो बिल्कुल भी इम्यून नहीं थे इस स्मॉल पॉक्स से तो जैसे ही वहां पे स्मॉल पॉक्स पहुंचा पूरी की पूरी जनता ऐसे ही साफ हो गई बिना किसी बंदूक के उठाए बिना किसी हथियार के उठाए स्पेनिश ने आसानी से अमेरिका को कंक्वेस्ट कर लिया सेकंड क्वेश्चन ये है ऑप्शन में है और ट्रेडर्स एंड ट्रैवल इंट्रोड्यूस ट्रेडर्स व्यापारी और सिल्क रूट के जरिए जहां 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 भी भी पहुंचे वहां भाई जहां से भी आप आए हो अपने ओरिजिन का कुछ तो खिलाओगे कुछ मतलब ऑब्वियसली आप अपने साथ आपकी भाषा लेकर के चलते हो आपका कल्चर लेकर के चलते हो आपके गुड्स एंड सर्विसेज लेकर चलते हो कैपिटल लेकर चलते हो, हो साथ ही साथ आप और क्या लेकर के चलोगे कुछ खाने की चीजें फूड भी तो ट्रैवल करता है फ्रॉम स्पेगेटी टू नूडल्स आई होप सबको ये टॉपिक याद आ रहा होगा आगे, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या यूज़ किया को, को, जैसे कि कि स्मॉल पॉक्स जो फैल गया कहां पर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है? और पूरे मतलब कोई और दूसरा वहां पर यूरोपियन uh, पहुंचे उससे पहले तो पूरी जनता ही साफ हो गई immunity, कोई नहीं थी किससे इस जानलेवा बीमारी से उनके लिए तो भाई ये जानलेवा ही थी उसके बाद अब उनकी बॉडी इम्यून हो जाएगी तो कह सकते हैं कि भाई बाद में कभी ना हो बट बट ये बीमारी उन्होंने पहली बार देखी थी जिसके प्रति उनके बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं थी ठीक है और जनता ऐसे ही खत्म हो गई नाउ डिजीज दैट कम फ्रॉम द यूरोप दिस डिजीज इरेज द होल कम्युनिटी लीडिंग टू कंक्वेस्ट दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन मिड सिक्सटीन सेंचुरी मेड इट इजी फॉर स्पेनिश टू ओवर टू ओवर द अमेरिकन इसी के साथ आप चलते हैं हमारे और वाले क्वेश्चन की तरफ ना अच्छा और ये ट्रेडर्स एंड ट्रेवल टू लैंड है? है वो ट्रैवल किए कहा वेस्ट में कहा से चाइना से और क्या बन गए स्पेगेटी बन गए और ऐसा भी हो सकता है कि अरब ने इंट्रोड्यूस किया हो क्या पास्ता फिफ्थ फिफ, कौन सी सेंचुरी में फिफ्थ सेंचुरी एक आईलैंड जो कि आज इटली में ठीक आप सभी ने सिसली के बारे में नेशनलिज्म इन ने यूरोप में भी पढ़ा होगा द किंगडम ऑफ टू सिसलीस सिमिलर फूड वाज नोन इन इंडिया एंड जापान सो दैट ट्रुथ भाई सेम खाना जो है आज इंडिया और जापान में पाया जाता है और अभी तक हमें नहीं पता कि इसका जो असली ओरिजिन है वो क्या है आगे चलते हैं मैनी ऑफ देखो आपको सिर्फ फोर्टी वर्ड्स में ही आंसर देना है यहाँ पर आपको चाहे सिक्सटी वर्ड्स मिल जाए लेकिन आप इसमें से एक पॉइंट हटा सकते हो आंसर्स फोर्टी वर्ड्स में दे करके आगे बढ़ो टाइम कंज्यूम फालतू टाइम लगाना ही नहीं है किसी क्वेश्चन के ऊपर ठीक है आगे चलते हैं मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सचैस आ गया पोटैटो आ गया सोया सोया ग्राउंड नट्स मेज टमेटो चिली स्वीट पोटैटो ये जो भी हम चीज़ें खाते हैं ये लगभग 500 साल पहले इंडिया में नहीं थी ठीक है क्योंकि जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो वहाँ की जो क्रॉप्स भी है वो भी पूरे के पूरे दुनिया में फैलेगी क्योंकि जो ट्रेवलर्स होंगे जो ट्रेडर्स होंगे वो अपने साथ अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे और नई नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सो ऑन

टू मिस्टर पिलानी मिस्टर इज फ्रॉम तमिलनाडु कहाँ से है वो तमिलनाडु उनकी इच्छा है कि वो या तो चाय या फिर नाउ वन ऑफ ऑफ द द आउट टू कैन बी उल्टीवेट इन हिज स्टेट उसके स्टेट में इनमें से कौन सी क्रॉप दोनों क्रॉप में से कौन सी क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जा सकती है अब क्योंकि वो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु के लिए जो सूटेबल क्लाइमेट है वो इन दोनों में से किसका अच्छा है टी का अब पर क्या काल्टीवेट करना चाहिए मिस्टर पलानी को टी ठीक है द आंसर इज टी ही मस्ट कल्टीवेट टी इन तमिलनाडु एज अ अल एज अ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इन तमिलनाडु आर सुटेबल टू ग्रो टी सॉइल कौन सी मिल जाएगी भाई पे मिल जाएगी वेल ड्रेन रिलेटेड सॉयल जिसके अंदर बहुत बड़े ह्यूमस कंटेंट होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है मजे आ गए भाई ना उद टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल सबसे अच्छी बात है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट्स में ग्रो करता है तमिलनाडु कौन सा आ गया भाई तमिलनाडु आ गया ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ठीक है विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन रिलेटेड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर

बात तो एक ही है पिछली क्लासेज में आपने फीडर इंडस्ट्रीज के नाम से बेसिक इंडस्ट्रीज को पढ़ा है बेसिकली ये वो इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल देती है दूसरी इंडस्ट्रीज को जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील आयरन एंड स्टील जो है वो मतलब बेसिकली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी वो क्या करेगी वो प्रोडक्शन करेगी और वो जब स्टील बना लेगी तो उस स्टील को किसको दे देगी कार बनाने वाली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो अब कार मटेरियल किस तो किसको तो करते हैं किस है? बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को जो बनाती है दूसरे गुड्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सप्लाई करती है स्टील किसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कार बनाने वाली इंडस्ट्री है जो कि उसको यूज करके कार बनाती है और वो जो स्टील है वो उनके लिए रॉ मटेरियल होगा व्हाट इज मनी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन व्हाट इज मनी पैसा जिसने डबल क्वेश्चन ऑफ वॉट को खत्म कर दिया ठीक है और पैसे बेसिकली पैसे के बारे में कौन नहीं जानता भाई सबको पता है मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा भी रहा था भाई पेन और शूज़ का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि भाई ये पेन और शूज़ वाला जो ये जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट है ये खत्म हो जाएगा जब हम बेसिकली ये जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट है ये खत्म हो चुका था जब पैसा इंट्रोड्यूस किया गया हो गया था बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइंस वाज यूज्ड एज मनी और एज अ मनी आप लोगों ने कॉरीज के बारे में भी पढ़ा होगा एनसीआर के अंदर कि भाई आ, अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा आ,

ओनली वर्ड्स अब आपको दो की जगह कितने पॉइंट लिखने हैं तीन पॉइंट लिखने हैं ठीक है वही दो दो लाइन वाले हो गए टोटल सिक्सटी वर्ड्स चलो सिक्सटी वर्ड्स से ज्यादा मत लिखना टाइम वेस्ट होगा क्वालिटी आंसर लिखो ऐसे अपनी कहानी मत लिखने बैठ जाना जो पढ़ा है जरूरी नहीं जो पढ़ के आए वो सब हमको आंसर शीट में लिखना है हमको क्वालिटी आंसर लिखना है सिक्सटी वर्ड्स में लिखना है और अपना बेस्ट आंसर लिख करके आगे बढ़ना है ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर देखो क्वेश्चन को समझते हैं प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट हमें सबूत बताओ जिससे कि सपोर्ट मिल सके कि प्रिंट कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सामाजिक जीवन बदलने में औरतों का आप सबको समझ में आया क्वेश्चन कि जो सोशल लाइफ थी जो सामाजिक लाइफ थी औरतों की कि वो किस प्रकार प्रिंट के आते ही बदल गई द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग प्लेड क्रूशल रोल इन अवेकिंग द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन द प्रिंटिंग प्रेस ने अलाउ किया वुमेन्स को कि वो एक्सेस कर सकती किसको इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को एंड आइडियाज को जो कि पहले इनएक्सेसिबल थी जो पहले उनकी पहुंच तक थी ही नहीं वुमेन्स मैगजीन छपने लगी न्यूज पेपर एंड बुक्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू वेरियस वुमेन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अपने अपने विचार अब औरतें लिख सकती हैं वो पढ़ भी सकती हैं दूसरों के विचार और खुद के विचार भी लिख कर लोगों तक पहुंचा सकती है अपने आइडियाज अपने ओपिनियंस को वास जनता तक पहुंचा सकती है ऑन वेरियस सोशल इशूज सच एज एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी वुमेन्स राइट एंड सोशल रिफॉर्म सामाजिक बदलाव की जरूरत है बहुत सारे सोशल इशूज थे उस टाइम पर ठीक है जो कि बेसिकली आप लोग सब रिविजन ही कर रहे हो बेसिक बेसिक ये सारी चीजें आप सबने पढ़ रखी होगी एक्सप्रेस देयर व्यूज आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन वेरियस सोशल इश्यूज सच एज एजुकेशन को लेकर जेंडर इक्वालिटी नहीं थी उस टाइम पर वुमेन्स के पास अधिकार भी नहीं थे सामाजिक बदलाव की जरूरत थी जैसे कि विडो री ले लो ठीक है चाइल्ड मैरिज ले लो सती प्रथा ले लो बहुत सारे सोशल इविल से बहुत सारे सोशल इश्यूज थे नाउ अब सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि कुछ समझदार लिबरल हस्बैंड और फादर जो उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया एजुकेट करना शुरू कर दिया ठीक है दे आर वुमेन फोक एट होम ठीक है एंड सेंड देम टू स्कूल को स्कूल भेजना शुरू किया ईस्ट के अंदर बंगाल के अंदर राज सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल है इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड के ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़वाद पुरानी सोच मतलब जो ट्रेडिशनल बिलीव हैं उनको मानकर चलने वाले लोग लर्न टू रीड इन द सीक्रेटली ऑफ हर किचन वो अपने किचन में अपने बच्चों की किताबों से सीक्रेटली पढ़ती थी पढ़कर वो बेसिकली क्या हुई एजुकेट uh, हुई एंड उन्होंने फिर एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम है अमर जिबान कब लिखी 1876 में इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी जो कि किस में लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी एक और पॉइंट इसके लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट ये है द बंगाली वुमेन लाइक कौन कैलाश वाशिनी कैलाश वाशिनी देवी रोड बुक्स रोड बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन ठीक है अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रेजेंट मतलब ये जो राज देवी ने जो किताब लिखी उसके अंदर एक मेजर पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि किस तरह से औरतों को घर में बंद रखा जाता है बिल्कुल जेल की तरह फील होता है उनको कि भाई हमको हमारे घर में ही रखा गया केप्ट इन इग्नोरेंस ठीक है फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक वर्क घर का सारा काम आप ही करो फोर्सफुली एंड ट्रीटेड अनजस्टिस एंड ट्रीटेड अनजस्टिसली बाय देयर फैमिलीज उनकी फैमिलीज उनके साथ बड़ी नाइंसाफी करती है महाराष्ट्र के अंदर ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई इन्होंने भी क्या लिखा मतलब ऑब्वियसली इन्होंने भी अपने मतलब आ, कहते ना कि जो भी इनकी आपा बीती थी जो भी इनके ऊपर बीता वो सब इन्होंने अपनी अपनी किताबों में लिखा रोड विद द पैशनेट एंगर बड़े गुस्से से अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन एंड स्पेशली हिंदूली स्पेशली जो विधवा औरतें थी उनकी जो सफरिंग्स थी ये सारी इन्होंने अपनी अपनी किताबों में लिखी तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे आज हमने कर लिए इनको रिवाइज और ज्यादा से ज्यादा सिक्सटी वर्ड लिखने से ज्यादा अपन को आंसर में नहीं लिखने हैं आगे

वहां पर हार्मफुल केमिकल गैसेस निकलती होगी जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देर वॉज नो जॉब सिक्योरिटी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है रिसेंटली उसने अभी अभी अपनी जॉब खो दी है एंड वॉज फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अब वो पुष्का पर इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेच रहा है भाई कौन से सेक्टर का है ये आदमी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज फटाफट आप बहुत देर हो गए कमेंट्स में मैंने कोई बात नहीं करी आप लोगों से इसका आंसर फटाफट फटा बताओ ये बता। क्वेश्चन देखकर क्या समझ में आया कि ये व्यक्ति कहाँ काम करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेज सेक्टर में हरी आप फटाफट आंसर लिखो सब लोग अगर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता तो इसके शायद पता नहीं शायद ये पॉइंट के है या के या तो भूल चुका हूँ फटाफट जल्दी से आंसर मुझे याद दिलाओ निहारिका जी आयशा तो लास्ट फाइव सेकंड्स, फाइव फोर थ्री टू वन वेरी गुड अनुराग ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन अनोया सेक्टर ठीक है नाउ एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग अब हम इसके आंसर में हमको ये लिखना है कि भाई सरकार का क्या रोल है जिसके मतलब ऑब्वियसली सरकार ने कोई तो कानून बनाए होंगे ना जिससे की अनु जिससे कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके इनको भी अधिकार मिल सके इनको भी प्रॉपर्ली क्या मिल सके वेजेस मिल सके अगर ये एक्स्ट्रा काम करे तो उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए इनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ठीक है चलो ये सारी बातें अभी हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे तब करेंगे पहले एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं मिस्टर पवन अ विलेज हेड ये है गांव के हेड वांटेड टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ़ द विलेज लोगों जो मेरे जो गांव के लोग हैं इनकी इनकम बढ़ जाए तो इनको मैं कैसे ज्यादा ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दू किसके अंडर में मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत सजेस्ट करो ऐसी तीन एक्टिविटीज जो कि मिस्टर पवन शुरू कर सकते हैं अपने गाँव में ताकि मनरेगा स्कीम के स्कीम के तहत उनके जो गाँव हैं उनको काम मिल सके कुछ याद आ रहा है क्या मनरेगा के बारे में नरेगा बोलूँ या मनरेगा बोलूँ बात तो एक ही है ठीक है आगे अगर महात्मा गांधी हटा दू तब भी ये एक ही बात है ठीक है नरेगा क्लियर है सबको सौ दिन का गारंटीड क्या मिलेगा रोजगार मिलेगा नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा अलाउवेंस मिला मिलेगा शुरुआत में ये सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट तक था बाद में 625 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया चलो ये सारी बातें नहीं लिखनी है इसमें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ नरेगा मनरेगा क्या है ठीक है इस आंसर में हम कुछ और लिखेंगे मतलब हम इस आंसर में ही लिखेंगे कि क्या क्या काम हम गांव में कर सकते हैं जैसे कि रोड्स बना सकते हैं ठीक है कंस्ट्रक्शन वर्क का कोई भी काम हम शुरू कर सकते हैं वेल्स बना सकते हैं चलो अभी आगे देखेंगे हम द फॉलोइंग सबसे पहले ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों सबको चलते हैं आंसर की तरफ द फॉलोइंग आर द वेज इन विच द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड कैसे देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है यहां पर एक आपको बेसिकली आपको एक कंडीशन दे दी उस कंडीशन से आपने पहचाना है कि भाई कौन सा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा किया जाना चाहिए इस तरह से सवाल कैसे भी बन के आंसर हमको यही लिखना है ठीक है वट आर द वेज इन विच गि वर्कर्स इन द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली द स्मॉल फैक्ट्री सबसे पहले क्या करेंगे हम स्मॉल फैक्ट्रीज मस्ट बजिस्टर्ड बाय द गवर्मेंट ठीक है एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स जो सरकार के नियम कानून है वो छोटी छोटी फैक्ट्री को भी मानने चाहिए ठीक है और ऐसे बहुत सारे कानून बना दिया सरकार ने जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट बना दिया मिनिमम वेजेस एक्ट बना बनाया कितना तो इतना तो वेजेस तो तो मिलना ही चाहिए पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी ग्रेजुटी एक्ट का मतलब कि जब आप किसी कंपनी को पाँच साल से ज्यादा सर्व करते हो तो आपके नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रेजुटी मिलती है ठीक है इसका अलग से फॉर्मूला और बहुत सारी बातें सब आप इकोनॉमिक्स में आगे कभी पढ़ोगे इलेवेंथ ट्वेल्थ में या फिर कभी हायर स्टडीज करोगे तो आपको समझ में आएगा ग्रेजुएटी का मतलब यही होता है कि जब आप किसी कंपनी को अपने पाँच साल से ऊपर या फिर दस साल पंद्रह साल बीस साल दे देते हो तो, तो उसके बाद जब आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको कंपनी की तरफ से ग्रेजुएटी मिलती है यानी कि कुछ अमाउंट मिलता है कुछ पैसा मिलता है आपके लॉयल्टी का बोल दो या फिर आपने जो इतने साल आपकी कंपनी को दिए उसके लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स के अंदर ये है कि भाई शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लेके आना इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर पर्टिकुलरली होगा कि आपको टाइमली वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ठीक है आप अगर ओवर uh, टाइम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है जॉब सिक्योरिटी जो है ये सारी बातें यहाँ पर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में की गई है लेकिन ये सारे कानून जो है इ, इन ये रेगुलेट होने चाहिए सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ठीक है और सरकार को चेक भी रखना चाहिए द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स सरकार लोन दे सकती है टू हेल्प अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंट्रप्रीनियरशिप को बढ़ावा दे सकती है द वर्कर्स आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स ठीक है लॉस द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ सेफ वर्किंग अभी हम बात कर रहे थे कि उनको safe environment नहीं मिल रहा इसका मतलब पीने के लिए पानी भी मिलना मतलब obviously साफ पानी मिलना चाहिए वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए ये सब मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए और मेडिकल बेनिफिट भी मिलना चाहिए कल को बीमार हो गया तो सिक लीव मिलनी चाहिए ठीक है प्रोविडेंट फंड अलग होता है बेटा पी बिल्कुल अलग होता है ग्रेजुटी से ठीक है पीएफ तो आपका इकट्ठा होता रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी भी कंपनी में अगर काम करते हो तो वो आपका कुछ तो वो आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काट कर प्रोविडेंट फंड में डालती है चलो आगे चलते हैं अब मनरेगा के बारे में कुछ आइडियाज ठीक है अंडर द मनरेगा एक्ट ही कैन इनिशिएट द फॉलोइंग एक् एक्टिविटीज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन हिज वेलेज अब गाँव के अंदर क्या करवा सकते हैं सबसे पहले क्लीनिंग द पॉड क्लीनिंग द पॉन्ड मतलब पॉन्ड को साफ करो क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग वाटर बॉडीज ठीक है जैसे कि लेक्स हो गए पॉन्ड्स हो गए उनसे यह मदद मिलेगी कि क्वालिटी ऑफ वॉटर उनका अच्छा हो जाएगा ठीक है और आसपास के अंदर इरीगेशन करने की भी व्यवस्था अच्छी होगी इट मेक्स इट सूटेबल फॉर इरीगेशन परपजेज दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स देखो जितनी अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा उनको फायदा होगा एडिशनली क्लीनिंग ऑफ लेक्स पॉइंट्स कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भाई उनको रोजगार भी मिल गया किसको जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको सेकंड विलेज में क्या कंस्ट्रक्ट करवा दो रोड्स कंस्ट्रक्ट करवा दो द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स कैन इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी विद इन द विलेज मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू कम्यूनिट टू कम्यूट टू वर्क फॉर वर्क और ट्रांसपोर्ट गुड्स इसी बात है गाँव के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा हो जाएगी ये भी बहुत अच्छी बात है वहाँ के जो लोग हैं उनसे रोड्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं करवाए जा सकते हैं और आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है ठीक है या फिर जो बड़ा शहर है उससे भी कनेक्टिविटी आसानी से हमें मिल जाएगी तो इससे क्या होगा इससे व्यापार आसान हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी आसानी होगी उस गांव के लोगों को आसपास के शहर में व्यापार करने में दिस कैन हेल्प टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझना मेरी बात आर्थिक रूप से मतलब जो भी इकोनॉमिक uh, एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी गतिविधि जो है वो बढ़ जाएगी गांव के अंदर क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज बूस्टिंग द इनकम ऑफ लोकल पीपल कोऑपरेटिव्स एंड मिल्क सोसाइटीज ठीक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए कॉपरेटिव खोलना चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए ना वट आर कॉपरेटिव कॉपरेटिव वो होती है जो प्रोड्यूसर्स जिसको ओन करते हैं जो प्रॉफिट है वो आपस में प्रोड्यूसर्स ने ही बांट लिया कोई एक इंडिविजुअल सारा प्रॉफिट नहीं कमाता किसमें कॉपरेटिव के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए द फॉर्मेशन ऑफ को द फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव मिल्क सोसाइटी कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लोकल डेयरी फार्मर्स ये मिल्क से कॉपरेटिव से याद आया मुझे अमूल आई होप आप सबको भी एग्जाम्पल याद होगा अमूल एक कॉपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर जितने भी मिल्कमैन है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें प्रॉफिट बांट दिया जाता है ये गुजरात में स्टार्ट किया था और ये व्हाइट रेवोल्यूशन भी लेकर के आई थी ठीक है इसी के साथ फॉर लोकल डेयरी फार्मर्स टू कलेक्टिवली सेल देयर मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट इंक्रीजिंग देयर इनकम सिमिलरली द सिमिलरलीमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हम स्टेबलिश कर देंगे तो रोजगार मिलने लगेगा ठीक है एंड क्रिएट मार्केट फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स और अगर हम स्मॉल स्केल पर चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तभी तो जो वहां का जो लोकल प्रोडक्ट है इसको भी बढ़ावा मिलेगा फिर वो जो प्रोडक्ट है वो आसपास के शहरों में जाएगा बिकने तो जो लोकल प्रोडक्ट है उसको भी मार्केट मिलेगा विच कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल आगे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम उन लोगों को लगा सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कम्युनिटी सेंटर्स बनाओ एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाओ जिसकी वजह से रोजगार फिर से जनरेट हो जाएगा आम आदमी के लिए जो वहां उस गाँव में रहता है हेल्पिंग टू देयर इनकम ठीक है आगे चलते हैं एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर अब ये खेती बाड़ी है जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलता किससे एग्रीकल्चर से जस्टिफाई द स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को समझाओ तो पहला है कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल किससे मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जब अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज होगी उनको रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़, सच्चाई चाहे फूड प्रोसेसिंग देख लो चाहे आप टेक्सटाइल देख लो या फिर आप पेपर देख लो अब समझने के लिए फॉर इंस्टेंस द कॉटन इंडस्ट्री रिलाईज हैवीली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चर नाउ ऑब्वियसली खेतीबाड़ी करेंगे जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे कॉटन की तभी तो शर्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको कॉटन मिल पाएगा एज अ रॉ मटेरियल सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिलाई ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ठीक है सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सीरियल्स दस अ हेल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर देखो बेसिकली बात है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा किसको इंडस्ट्रीज को ठीक है तो दे बोथ एक्ट मतलब बोथ आर इंटर कनेक्टेड टू इच अदर दस हेल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंश्योर स्टेडली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता रहा तो समय समय पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको रॉ मटेरियल मिलता रहेगा विच इन टर्न कैन बूज योडक्टिविटी एंड ग्रोथ तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की मदद से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी साथ में होती रहेगी इसी के साथ शॉर्ट आंसर अब इस हाँ इसी के साथ अगर हम देखें तो एक पॉइंट तो हो गया रॉ मटीरियल सप्लाई दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं मार्केट एक्सपेंशन मार्केट अभी हम लिख सकते हैं मार्केट एक्सपेंशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ एंड मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन अच्छा एक बात और ध्यान में समझना कि देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या चाहिए ट्रैक्टर चाहिए हमको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अगर फॉलो करनी है हमको क्या चाहिए ट्रैक्टर चाहिए चाहिए और जितना भी अरे हमको इरीगेशन के लिए पंप चाहिए भाई वो पंप भी कहाँ बनेगा वो इंडस्ट्रीज में बनेगा इजेंटेड फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन सच अच्छा ट्रैक्टर हो गया टेलर हो गया हार्वेस्टर हो गया इनसे भी देखो जितनी ज्यादा अगर हम एग्रीकल्चर डिमांड अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज्यादा करेंगे तो हमको वो एक्टिविटीज करने के लिए सुविधाएं भी चाहिए वो हमको कौन देगा इंडस्ट्रियल सेक्टर देगा ठीक है और इसकी डिमांड भी साइम साथ ही साथ बढ़ेगी डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स ठीक है Including steel, plastic, and rubber. Moreover, the growth of the uh, agriculture sector increases the purchasing power of the farmers. Agar अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर गया तो उनकी जिम में पैसे भी ज्यादा आएंगे किसके फार्मर्स के तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी वो बिकम अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अभी ये जो किसान है वो प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेकिन वो कंज्यूमर है किसके इंडस्ट्रियल गुड्स के क्योंकि बिना इंडस्ट्रियल गुड्स की मदद के वो एफिशेंटली ज्यादा ईल्ड नहीं लेकर के आ पाएंगे और ज्यादा इल्ड नहीं तो मतलब ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर गुड्स ऑटोमोबाइल्स एंड एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक है एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव क्या लिखा है लेबर इंटेंसिव ज्यादा ज्यादा क्या लगेगा यहां पर लेबर तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन इंडिया अ हेल्दी एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स विच टर्न कैन क्रिएट अ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज सर्विसेज नाउ एडिशनली हम इसमें लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग एंड एंग्रोकेमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह

गोल्स देखो डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए सिर्फ मनी चाहिए बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारे लिए क्या है डेफिनेशन डेवलपमेंट की तो कहते हैं सर पैसे चाहिए बस बहुत सारे पैसे कमा ले हम पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है गोल्स एट पीपल डिजायर फॉर द डेवलपमेंट लोग क्या क्या गोल्स सेट करते हैं मोस्ट पीपल डिजायर फॉर मोर इनकम ज्यादा लोग कहते हैं हमारे इनकम बढ़ा दो दे वॉन्ट रेगुलर वर्क उनको रेगुलर काम भी इनकम के साथ साथ और क्या क्या चाहिए बे अटेंशन एवरी वन पैसा चाहिए लेकिन और साथ साथ क्या चाहिए रेगुलर काम भी चाहिए बेटर वेजेज भी चाहिए एंड डिसेंट प्राइज फॉर देर क्रॉप एंड अदर प्रोडक्ट दैट में प्रोड्यूस बट मोर इनकम इज नॉट द ओनली थिंग ज्यादा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है दैट पीपल डिजायर उनको क्या चाहिए उनको उनको चाहिए फुल इज्जत उनको चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट बात समझ में आ रही है उसके अलावा आजादी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर अदर चाहिए दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव ऑब्वियसली जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पर कॉम कौन ही काम करना चाहेगा उनको इस डिस्क्रिमिनेशन से भी आजादी चाहिए ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स ठीक है तो सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट गोल नहीं है ये सारे एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना है इन सम इंस्टेंस इन सम इंस्टेंस मोर इनकम और मोर कंज्शन बिकम लेस सिग्निफिकेंट देन दीज गोल्स बिकॉज मनी कैन बाय मटीरियल गुड्स कौन से गुड्स मटीरियल गुड्स लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल येंडशिप दोस्ती ये सब आप नहीं खरीद सकते अच्छा एक और बात है पैसा ये गारंटी नहीं दे सकता कि एक मेडिकल की दुकान पर आप जाओ और वो आपको अडल्ट्रेटेड सामान ना दे isn't it? आपने तो उसको पैसे दे दिए उसने आपको दवाई दे दी लेकिन क्या गारंटी है कि वो जो दवाई है उसमें कुछ मिलावट नहीं है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते आप करप्शन फ्री एनवायरमेंट जो है वो पैसे से नहीं खरीद सकते ओनली एंड देयर आर सम नॉन मटेरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट इन हमारे लाइफ तो ये जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है इसके अंदर ये नॉन मटेरियल थिंग्स भी आएगी मनी और मटेरियल थिंग्स इज वन फैक्टर ये सिर्फ एक फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है बट जो नॉन मटेरियल थिंग्स है ये भी हमारी लाइफ को हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अफेक्ट करती है ठीक है अब आगे आगे का एक और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट

हाथ में पैसे लेकर के नहीं घूमना है जेब में पैसे रखकर नहीं घूमना है मैं जिसको भी मुझे पैसे देने हैं मैं उसको चेक लिख कर दे सकता हूँ वो जो चेक है वो मेरे डिमांड डिपॉजिट से क्या है लिंक्ड है डिमांड डिपॉजिट मतलब ये पैसे मैं नहीं जमा करवाए थे मैं जब चाहूँ तब मैं इसको विद्रॉ भी कर सकता हूँ या फिर किसको अगर मुझे पेमेंट करना है तो मैं चेक के थ्रू भी दे सकता हूँ पीपल हु हैव डिपॉजिटेड देयर मनी इन द बैंक्स जो लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में उनके पास एक प्रावधान है कि वो उसे विद्रॉ कर सकते हैं जब भी उनको इसकी ज़रूरत हो दिस डिपॉजिट ऑफ पीपल कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट ठीक है अब इसके असेंशियल फीचर्स क्या है पहला विध डिमांड डिपॉजिट वी कैन डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश कैश नहीं चाहिए मेरे को क्या करूंगा मैं चेक दे दूंगा उसको आगे अलॉन्ग विद करेंसी डिमांड डिपॉजिट आर कॉमनलीसेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट दस दे कंस्टीट्यूट मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी वही करेंसी के साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट है वो कॉमनली एक्सेप्ट किए जाते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट लगभग सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब आगे की कमान जो है लॉन्ग आंसर्स की वो संभालेंगे हमारे इंजमाम सर तो आई वेलकम इंजमाम सर ठीक है कि वो आगे लॉन्ग आंसर्स को समझाएं आई होप आप सभी को एम सी शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स क्लियर हो गए होंगे वर्ड लिमिट का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ठीक है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स सी यू पीपल सून हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब तो एम सी क्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर बेटा आप सभी को समझ में आए होंगे आई होप पंकज सर ने सभी क्वेश्चंस को बेहतर समझाने की कोशिश करी है तो आप सभी को बेहतर समझ में आए होंगे ए पी एजुकेशन कह रहे हैं सर प्लीज टेंथ बोर्ड खत्म होने के बाद सेवंथ एंड सिक्स क्लास का मेंटिक्स करना है प्लीज प्लीज हाँ बेटा बिल्कुल सेवंथ ऑफ मार्च को एसटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे एक शेड्यूल बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे जो भी है आपके मेंटिक विज़न सिक्स और सेवन क्लास के वो हम क्या करेंगे ले लेंगे ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसे हम देख लेंगे तो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कोशिश कराने की पंकज सर ने बहुत ही अच्छी कोशिश करी है बच्चों और आई होप आपको वो समझ में भी आए होंगे अब हम क्या करते हैं बच्चों अब हम लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग जो टाइप के आंसर होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे चार क्वेश्चन जो है बेटा वो लॉन्ग आंसर टाइप के आएंगे जिसमें आपको वर्ड्स लिखने हैं हंड्रेड से लेकर वन इससे ज्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं यानी कि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें आप पाँच से छः पॉइंट में अपने आंसर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें ज्यादा फालतू चीजें उसमें नहीं लिखें एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन टेड चीजें लिखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही लिखने की कोशिश करें और प्रेजेंट करने की अच्छी कोशिश करें अगर का क्वेश्चन आता है तो मैप यूज कर लें ठीक है मतलब किसी भी तरीके से आप उसको बेहतरीन प्रेजेंट कर सकते हैं हेडलाइन लिख के ठीक है और जब समय मिल जाता है या पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद जब आपका थो थोड़ा थो टाइम बचता है तो उसमें क्या करें आप अंडरलाइन वगैरह या जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हेड मतलब ठीक है ना उनको थोड़ा आप इंडिकेट भी कर सकते हैं तो लॉन्ग आंसर में हमारे पास क्या क्वेश्चन है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे इसी तरह का पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सवाल क्या है है हमारे पास एनालाइज एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द लोकल एनवायरमेंट सिंपल सा सवाल है जनरली एस एस टी को लेकर मिथ्य रहता है बेटा कि सवाल मुश्किल आते हैं ऐसा नहीं है बेटा बस सवाल समझ में आना चाहिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर बहुत ही बेहतरीन लिख पाएंगे सिंपल सा सवाल है कि माइनिंग एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है लोकल इन्वायरमेंट पे एंड द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज और आसपास के जो लोग हैं जो सराउंडिंग कम्युनिटीज है उनकी स्वास्थ्य पर उनके हेल्थ के ऊपर क्या नुकसान होता है पहला ये सवाल है और ऑप्शन में हमें दूसरा सवाल क्या देखने को मिलता है ज्योग्राफी का नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिसे

चैट सेक्शन में कौन कौन अवेलेबल है जल्दी करो बेटा जल्दी फिर आगे चलना है हमें अभी केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमें पढ़ने हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड जहां से आपके पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए ट्वेल्व मार्क्स का वेटेज रखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के अंदर ही आपको उसके आंसर मिलने वाले हैं तो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जवाब करो बच्चों सभी लोग हैं क्लास में अभी चले हम आगे चले बताओ फटाफट एपी एडुकेशन अर्जुन श्रीवास्तव बताओ बेटा फटाफट अनुराग अनुराग वाइटी बताइए बेटा नहीं खत्म नहीं हुआ अभी चल रहा है चलिए बेटा देखते हैं तो फर्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंपैक्ट बताना है माइनिंग एक्टिविटीज का लोकल इन्वायरमेंट में सभी बच्चों को पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सवाल समझते हम द माइनर्स आर प्रोन टू इनहेलिंग टू एंडलमोनरी डिजीजेस देर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ माइन रूफ सी बात है जैसे आपने देखा होगा बेटा किसी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता होता है तो टाइल्स वगैरह की जो कटिंग होती है उससे डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है ना रेत वगैरह का काम चल रहा होता है तो डस्टिंग बहुत ज्यादा उससे हमें देखने को मिलती है जिससे क्या होता है लेबर

देखने को मिल जाता है तो वहां पर भी जो माइनर्स, जो आप माइनर्स जो होते हैं वहाँ पे जो लेबर्स होती है उनके ऊपर हमेशा जान का खतरा बना ही रहता है बनाना बीस्ट गेमिंग ठीक है बेटा और तीसरा क्या है माइनिंग हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एज इज प्रोड्यूसर लोट ऑफ वेस्ट जाहिर सी बात है माइनिंग से क्या होता है वेस्ट ज्यादा होता है जैसे कि हम कहते हैं लैंड डिफोरेस्टेशन काफी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है हमने रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज भी हम पढ़ते हैं सॉइल रिसोर्सेज भी हम पढ़ते हैं तो लैंड रिसोर्सेज में हमने देखा है कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना ज्यादा लिथोसफियर को नुकसान देखने को मिलता है जो माइनिंग एक्टिविटीज के अंदर जो ब्लास्टिंग करके जो पत्थर या कोयला बाहर जो निकाला जाता है और फिर उन बड़े बड़े गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी हमें कहीं ना कहीं खराब होने को देखने मिलती है और क्या है माइनिंग डिस्टर्ब्स द लोकल फ्लोरा एंड फ्लोराइन एंड कंटेमर्स द लोकल वाटर जाहिर सी बात है किसी जगह पर जैसे हमने पढ़ा है अगर आप सिक्स सेवन्थ एट में आपने पढ़ा होगा तो झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाली जो बेल्ट है बच्चों वहाँ पर आपने देखा होगा कि मोर देन फिफ्टी परसेंट जो ट्राइबल्स हैं वो आपको इसी बेल्ट में देखने को मिलेंगे अब वहाँ पर क्या हुआ था जब ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पर पहुँचता है तो क्या होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर माइनिंग क्योंकि जाहिर सी बात है मिनरल वाली वो जो है वो जमीन है वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स मिल रहे हैं और ब्रिटिश सरकार जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में सबसे पहले आई थी वो

टू सॉइल इरोजन जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि सॉइल की फर्टिलिटी भी हमें खत्म होने को देखने को मिलती है ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ द इंडस्ट्रीज या ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज तो कुछ इस तरीके से बेटा क्या करना है आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है लॉन्ग आंसर में ठीक है आई होप आपको सही चीजें समझ में आई होगी सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज किस तरीके से एक बेनिफिशियल रिसोर्सेज हैं एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज देखते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है इधर आप राजस्थान आओ कभी घूमने है ना रंगर राजस्थान में तो इधर वेस्टर्न राजस्थान में आप चले जाओ पूरी बेल्ट ले लो ऊपर से श्रीगंगानगर ले लो बीकानेर लो जैसलमेर लो जोधपुर लो ठीक है थार डेजर्ट वाला एरिया है कुछ एरिया उसका पाकिस्तान में भी लगता है लेकिन यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत ही तगड़ा स्कोप है इसे

तो क्या है बेटा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बेहतर दे आर इन एंड दे आल्सो कंसीडर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं क्योंकि किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करते हैं इससे पहले क्वेश्चन पूछा इसी के ऑप्शन और करके है ना वो माइनिंग एक्टिविटीज की था और इधर पॉजिटिव आ गया यानी कि एक क्वेश्चन तो नेगेटिव इंपैक्ट में पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन किस इंपैक्ट में पूछा जा रहा है आपसे पॉजिटिव इंपैक्ट में पूछा जा रहा है ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ एनर्जी मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट कंपेयर टू यूज कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से भी जानते हैं बेटा कि रिसोर्सेज को सिर्फ उतना ही यूज करना है जितनी हमारी नीड है बाकी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर देना है हमें छोड़ देना है जितना आए थाली में उतना ही लें ऐसा कुछ हम कहते हैं ठीक है द ग्रोइंग कंजम्पन ऑफ एनर्जी एक सेकेंड क्या था बेटा

गाड़ी आने लग गई है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे इलेक्ट्रिसिटी तो से भी चल जाती है और पेट्रोल से भी चल जाती है, लेकिन भविष्य क्या है ईवी का भविष्य आने वाला है जिस तरीके से हम कह रहे हैं तो नॉन फायदेमंद इंपॉर्टेंट रोल साबित हो सकते हैं नेचुरल गैस इज कंसिडर्स एवाट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ने भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कहा जाता है क्योंकि लो कार्ब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं जितना कम सी ओ टू का एमिशन होगा उतना कम जैसे आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह भी आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर जितनी तेजी से बढ़ेगा उतने ही ग्लेशियर समय पिघलते हुए देखने को मिलेंगे और जिस तेजी से ग्लेशियर समय पिघलते हुए देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले जो इस चीज की चपेट में आएंगे वो आएंगे आपके कोस्टल एरियाज ऐसा कहा जा रहा है तो भविष्य क्या है बेटा नॉन कन्वेंशन रिसोर्सेस क्योंकि सीओ टू का एमिशन बहुत कम करते हैं जिससे कि पृथ्वी का टेंपरेचर जो है वो एक आ, बैलेंसिंग वे में बना रहा है और क्या है रिन्यूबल एनर्जी रिसोर्सेस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गेस एमिशन एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू सब्सिड्यूसिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो बात अभी मैंने आपसे बोली है कि नॉन कन्वेंशन रिसोर्सेज से क्या होगा सी टू एमिशन जो होगा वो कम होगा जिससे कि क्या होगा टेम्परेचर को भी हम बैलेंस कर पाएंगे हाँ बेटा और ऑल दिस फाइव मार्क्स हाँ बेटा सभी के सभी पाँच मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा और कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं है इसके आसपास की चीजें बताने का ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ पे चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं बेटा हाउ वुड यू इवेलुएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रेशनल एफिशिएंट सिस्टम एलुडिकेट विद सुटेबल एग्जांपल नेपोलियन बोनापार्ट की यहां पे बात हो रही है और जाहिर सी बात है उस, उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाना चाहिए बेटा आंसर क्या आना चाहिए यहां पे सिविल कोड ऑफ 1804 यहां पे पूछा जा रहा है आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे आपसे सिविल 1804 आपसे पे पूछा जा रहा है ये चीज आपको सिविल कोड ऑफ 1804 से सवाल बनने के पूरे चांसेस रहते हैं एक सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है बच्चों के स्टार्टिंग में फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को एक तरीके से हीरो की तरह ट्रीट किया था फिर बाद में उसे एक विलन की तरह ट्रीट किया था तो वो भी यहाँ पे एक सवाल बन सकता है उसको भी आपको देख के जाना है सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द एट द कांग्रेस ऑफ ऑफना इन द ईयर 1815 फिफ्टीन वियाना की जो ट्रीटी हुई थी 1815 में उसमें कंजर्वेटिव्स के जरिए क्या क्या डिसीजन लिए गए थे हाँ बनाना बीस्ट गेमिंग ने सिविल कोड आंसर किया है ठीक है बिल्कुल बेटा सिविल कोड ऑफ एटीन इसके प्रोविजन भी फटाफट कॉमेंट सेक्शन में लिख दे लाइन के लाइन पांच छह प्रोविजन डाल दे इसमें फटाफट बेटा हाँ रणवीर आयशा बहुत बढ़िया ठीक है तो सवाल देखते हैं द सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो भी आ सकता है बेटा सिविल कोड ऑफ 1804 पूछा जा सकता है नेपोलियनिक कोड आपसे पूछा जा सकता है वॉज फॉलोड बाय द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल वो उस हर रीजन में फॉलो किया गया जो कि फ्रांस के अंडर में था क्योंकि डिक्टेटर बनकर वहां पर निकल के आए थे दिस कोड सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी वाला अधिकार जो कंजर्वेटिव ने छीन लिया गया था वो वाला बनाया गया इक्विलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के नजर में सब एक जैसे होंगे वो वाला प्रोविजन यहां पे आया था और रिमूव ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ जन्म से जो अधिकार मिले हुए हैं जो स्पेशली नोबल्स को मिलते थे क्लर्जीस को जो मिलते थे कि जन्म से मिलने वाले जो प्रिविलेज जो सुविधाएं थी उन्हें यहां से हटाया गया था देखो बनाना बीस्ट गेमिंग ने फटाफट आंसर लिख दिया है डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ स्टेब्लिश इक्विलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी सर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चन पर प्रॉब्लम हो होती है क्या करूं कुछ मत करो बस ये लेक्चर देखो और मस्त रहो क्या करना है इसमें सिंपल सा स्टेटमेंट बेटा सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा बस वो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है सवाल को समझना पड़ेगा बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे अभी हमने इससे पहले थोड़ा ये वाला क्वेश्चन लिया था ना इसको देखो बेटा ये क्या था अर्जुन श्रीवास्तव एक सेकंड यह क्वेश्चन देख बेटा जैसे ये वाला देखो बेटा ये नॉन कन्वेंशन रिसोर्सेस बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस ये ये वाला सवाल अर्जुन देखना बेटा इसको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज इस स्टेटमेंट को क्या करना है एक्सप्लेन करना है या समझाना है एग्जाम्पल्स के जरिए तो सवाल सिंपल से समझ में आ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज अदर नेचुरल रिसोर्सेज से किस तरीके से बेहतर है एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज तो जाहिर सी बात है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के आपको क्या बताने इसमें एडवांटेजेस बताने हैं सिंपल सी बात है स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा ठीक है और ये वाला भी अभी क्वेश्चन लिया हमने और क्या क्वेश्चन था जैसे कि ये वाला लिया हाउ वुड यू वियड नेपोलियन अब इसमें एक सवाल भी बन सकता है कि वो इमेज आ सकती है जिसमें नेपोलियन दोड और पीछे से उसकी सारी ट्रीटीज निकल रही है ठीक है वो जो उसके पीछे बैग लगा हुआ है ठीक है कुछ उस तरह से सवाल भी बन सकते हैं तो उसमें कोई लोड नहीं लेना है बेटा अगर चीजों को बारीकी से पढ़ा होगा अर्जुन तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ठीक है स्टेटमेंट वाले कोई टफ नहीं होते हैं बल्कि वो सबसे सिंपल सवाल मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि वो सबसे सिंपल सवाल होते हैं लोड नहीं लेके जाना है सिस्टर के पेपर में सिंपल सा पेपर देखने को मिलेगा हाँ बनाना भी गेमिंग बेटा बिल्कुल सही है सारे के सारे प्रोविजन बिल्कुल सही है इन टेरिटरीज अंडर फ्रेंच कंट्रोल सचिस इटली जर्मनी स्विजरलैंड एंड डच रिपब्लिक प्रिजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम मेनरल ड्यूज एंड सेफडम फोर्स लेबर को खत्म किया गया था फ्यूडल लोड सारी की सारी चीजें हटाई थी एक सिंगल करेंसी सिस्टम डेवलप किया गया था फर्जी जितने भी टैक्स लग रहे थे वो सारे के सारे हटाए गए थे मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट आने से पहले जितनी भी चीजें बाय बाय मैं इकोनॉमिक्स करने जा रहा हूँ अच्छा इकोनॉमिक्स करने जा रहा है ठीक है इकोनॉमिक्स कर ले बेटा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे अभी ठीक है हाँ तो, जो जो सिस्टम सिविल कोड में लागू किए गए थे वो सारे के सारे आपको बताने हैं मेजर्साइज मेजर लेके आए थे वेट्स लेके लेके आए आए थे थे यूनिफॉर्म स्लोस यानी कि फ्रांस के लोग जो चीज चाहते थे वो सारे के सारे प्रोविजन नेपोलियन ने किए थे इसी वजह से नेपोलियन को स्टार्टिंग में हीरो की तरह ट्रीट किया गया था लेकिन एक सवाल यह भी बन सकता है कि बाद में नेपोलियन को विलन क्यों समझा गया ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है सेकेंड क्या है कांग्रेस ऑफ बियान फिफ्टीन है ना इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे ठीक है देखते हैं बेटा द द द ऑफ फोर फोर ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन पावर्स है ना पावर्स के बारे में आप बताना ब्रिटेन रशिया ऑस्ट्रिया पे मुलाकात हुई थी इनकी इनकी मुलाकात हुई थी वियाना में इसलिए कांग्रेस ऑफ वियाना कहते हैं एटीन फिफ्टीन जिसे हम वियाना की संधि भी कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियाना भी जिसे हम कहते हैं ठीक है ठीके? इसमें जो कि ड्यूक मैटेनिक के जरिए क्या की गई थी लीड की गई थी इसके प्रेसिडेंट कौन थे ऑस्ट्रियन काउंसलर इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे स्ट्रीटी में क्या क्या प्रोविजन किए गए तो क्या क्या प्रोविजन किए गए थे सभी चेंजेस को अंडू किया जाए जो कि कौन लेके आए थे बेटा नेपोलियन नेपोलियन ने रिस्टोर करी थी ठीक है जो नेपोलियन लेके आए थे बर्बन डिनेस्टी वापस से वही हमारे लुइस फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन वाला मुद्दा आ गया है बेटा लुइस फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन वाला आ गया है समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बेटा ठीक है बर्बन डिनेस्टी वॉज रिस्टोर टू पावर उसके बाद क्या था बेटा द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी नेपोलियन अ सीरीज ऑफ स्टेट फ्रेंच बाउंड्री टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फ्यूचर एक्सप्रेशन किंगडम ऑफ द नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ जेनोआ वॉज एडेड टू प्योरमेंट इन द साउथ साउथिया वॉज गिवन टेरिटरीज ऑन इज वेस्टर्न फ्रंट्स एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ इटली यानी कि जितनी भी चीजें की गई थी ठीक है ठीक है तो जितनी भी चीजें नेपोलियन के जरिए की गई थी बेटा उन सभी को क्या किया गया चेंज किया गया उससे पहले जितने भी चेंजेस लाए गए थे ट्रेटी के थे ट्रीटी ऑफ के उन्हें हटाया गया और जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो थर्टी नाइन स्टेट थे उनको सेम टू तो सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही रखा गया उनको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छेड़ा गया तो कुछ इस तरीके से ट्रीटी ऑफ बयाना को क्या कर सकते हैं बेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि में की गई थी आई होप आपको ये चीज समझ में बेटा आई होगी ठीक है चलिए बेटा वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एक सवाल ये बन रहा है और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा हाउ आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनरशिप एंड बल्क वेट ऑफ रॉ मेटीरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स ठीक है सबसे पहले पूछा है पहले सवाल में कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना है सवाल के अंदर और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आपको बताना है उसके अलावा क्या सवाल है हाउ आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनरशिप एंड बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स और आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किस किस टाइप से क्या किया गया है ठीक है किस किस टाइप से आपको क्या किया गया है उसमें डिवाइड किया गया है वो चीजें आपको क्या करनी है इसमें बेटा समझानी है ठीक तो है तो क्लियर चलते हैं इसको समझते हैं मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है सभी को पता है बेटा मैनुफेक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी मैनुफेक्चरिंग मैनुफेक्चरिंग का मतलब क्या होता है जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन किस में किया जाता है बेटा लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मेटेरियल टू मोर वेल्युबल प्रोडक्ट्स रॉ मेटेरियल जो कि ओवर फॉर्म में हमारे पास होता है कच्चे फॉर्म में हमारे पास एक मेटरल होता है उसको मोर वेल्यूबल प्रोडक्ट में किस में बनाया जाता है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जिसे हम सेकंड सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं और उसके बाद फिर टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर के जरिए मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक बैकबोन भी कहा जाता है बेटा कंट्री के डेवलपमेंट में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्री की जीडीपी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होता जाता है उससे ज्यादा ही क्या होता है बेटा उससे ज्यादा ही कंट्री की जीडीपी भी जो होती है वो ग्रो हमें देखने को मिलती है मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकमी बट दे ऑल्सो रिड्यूस दी डिंडस ऑफ

एग्रीकल्चर के तौर पर बैकबोन के लिए काम नहीं करता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्लियर बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉवर्टी फॉरमर कंट्री जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, बेटा मेन ऑब्जेक्टिव टू रिस्टोर मोनार्की हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा मेन ऑब्जेक्टिव वो टू रिस्टोर मोनार्की वापस से बर्बन इंडस्ट्री को क्या करना है रिस्टोर uh, करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती है और कंट्री की पोवर्टी खत्म होती है और जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ता है जिससे कि इंटरनेशनल करेंसी का क्या होता है एक्सचेंज होता है और कंट्री की जे में भी हमें क्या देखने को मिलती है ग्रोथ देखने को मिलती है ये बात है

कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द ये सेकंड क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या बताना है आपको क्लासिफिकेशन बताना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है ओनरशिप के का, मालिकाना हक के आधार पर डिवाइड किया गया है वेट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के आधार पर क्या किया गया है बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या किया गया है डिवाइड uh, किया गया है

ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिपिपिप जैसे हमने रिसोर्स में भी पढ़ा था बेटा नहीं बेटा बता रहा हूं अभी सभी बता रहा हूं बता रहे हैं बेटा ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने क्या पढ़ा था बेटा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज सेक्टर सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज और cooperative sector industries. जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो बेटा रिसोर्स को भी डिवाइड किया गया था तो resources को कैसे डिवाइड किया गया था वो भी आपको पता है जैसे ओनरशिप के आधार पर किया गया था एक्जोस्टिबिलिटी के आधार पर किया गया था वैसे इंडस्ट्रीज को भी क्या किया गया है बेटा uh, क्या किया गया डिवाइड किया गया तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन से इंडस्ट्रीज बेटा वो इंडस्ट्री जिसे ओन और ऑपरेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल बी और एसआईएल सेल और बिल है ना ठीक है बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्यों सी इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज बेटा जिसमें मालिकाना हक या जिसे ऑपरेट जो है वो किसके जरिए किया जाता है एक प्राइवेट ओनर या किसी एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जरिए क्या किया जाता है जिसे रन किया जाता है ठीक है बेटा समझ लो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जो ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट पर्सन और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड डाबर इंडस्ट्रीज ये सारी के सारी किस्म आती है बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है और क्या है तीसरा बेटा ज्वाइंट सेक्टर है ना ज्वाइंट मिलकर है ना एक जॉइंट मतलब दो चीजें जुड़ के बनती है जैसे फॉर ये स्टेट और एक या के के जिस को रन किया जाता है, उसे हम क्या कहते है? कहते है जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसे आप दे सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही क्या है कंपनी है और क्या है कॉपरेटिव का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल हमें सर सॉरी फॉर यू यू आर वर्किंग सो हार्ड बट वेरी लेस कोई दिक्कत नहीं है बेटा लाइव बच्चे कम देख रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्सर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मेटीरियल कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है बेटा कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है बेटा जो कि ऑपरेट और ओन की जाती है जो प्रोड्यूसर है जो सप्लायर है रॉ मेटीरियल का उनके जरिए मिलकर उन वर्कर्स के जरिए मिलकर ही क्या किया जाता है बेटा कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को रन किया जाता है यही आपस में क्या करते हैं रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं बिजनेस में लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बेटा यही आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द कोयर इंडस्ट्री इन केरला तीसरा पॉइंट क्या बेटा डिविडेशन का बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स ठीक है बल्क यानी कि वेटेज कितना है हैवी है लाइट इंडस्ट्री कैसी है तो हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटा जो बल्कि प्रोडक्ट का मैनुफेक्चर करती है जैसे कि आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटा लाइट इंडस्ट्री वो जो कि लाइट रॉ मेटेरियल क्या करती है मैन्युफेक्चर करती है जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा एक्सप्लेन करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश और क्या है व्हाट आर द रीजन वाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लर्न टू सर्टेन बोरोवर्स ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के आपको अचीवमेंट्स बताने सिंपल रॉकेट साइंस नहीं है और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बैंक कुछ बोरोवर्स को लोन नहीं देती है ये सवाल थोड़ा अच्छा हो सकता है देखते हैं हम ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में क्या है अचीवमेंट्स क्या क्या है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के देखिए बेटा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द रूरल बैंक यहां से दिख नहीं रहा थोड़ा सा मेरे को हाँ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द रूरल बैंक्स इन द वर्ल्ड सक्सेसफुली मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर एट रीजनेबल सी बात है ग्रामीण बैंक ऑफ बंगला आपके भी टॉपिक दे रखा है ग्रामीण बैंक ऑफ बंगलादेश के इसमें क्या क्या है इसके फायदे और इसके के बारे में हमें बात करनी है ग्रामीण बैंक आप समझते बट जो गांव वाला एरिया होता है ना रूरल एरिया जो होता है उससे हम ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं ग्रामीण एरिया है ना जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बैंक वॉज लॉन्च एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटी में एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में इस ग्रामीण बैंक को लॉन्च किया गया था बट इन दो हजार अठारह थाउजेंड एटीन इट इज मोर देन 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 8 81600 विलेजेस स्प्रेड थ्रू द बांग्लादेश अब देख लीजिए आपके ती तेजी से सो ग्रोथ देखने को मिली 1970 से लेकर 2018 से 2018 के बीच में 9 मिलियन मेंबर्स से ज्यादा लोग इसमें क्या हुए हैं एनरोल हुए हैं वुमेन कमिंग फ्रॉम द पोरेक्शन और जो वो हैली रोल होता है एक दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर वुमेन्स सेक्टर से वुमेन्स के ऊपर क्या रोल पड़ा है वुमेंस क्यों पीछे है या वुमेन्स क्यों आगे है वुमेन्स की लिटरेसी रेट कम क्यों है वुमेन्न के आस देखने को आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएंगे तो वुमेन जो है वो जो पोरेस्ट सेक्शन से बिलोंग करती है वो काफी ज्यादा इस बैंक से एक लंबे समय से जुड़ी हुई देखने को यहाँ पे मिलती है सक्सेस ऑफ दिस बैंक प्रूव दैट पुअर वुमेन आर रिलायबल एज वेल एज दे कैन स्टार्ट एंड रन बाय वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रजेंट द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डायवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर सिंपल सा कहने का मतलब यह है इसमें गेमर अभिषेक बनाना बीस गेमिंग अर्जुन श्रीवास्तव कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में हमें ग्रोथ देखने को मिली है तो वो ग्रोथ हमें देखने को क्यों मिली है वो ग्रोथ देखने के पीछे का हमारा रीजन ये रहा है वो ग्रोथ देखने के पीछे रीजन रहा है कि बैंक जो है 2018 से लेकर सॉरी 1970 से लेकर 2018 तक ग्रोथ देखने को इसलिए मिली है क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लगातार ट्रांजैक्शन में इस बैंक के साथ बने हुए हैं डिफॉल्टर बहुत ही कम हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टेन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन बैंक किसी रीजन को बैंक uh, किस रीजन से किसी को लैंड नहीं करता है पैसा ये रीजन पूछा हुआ है जाहिर सी बात है बैंक बैंक क्या है बेटा bank के अंदर थोड़ा लोन लेना डिफिकल्ट होता है क्योंकि बैंक एक तो कोलाटल मांगता है दूसरी बात बैंक के अंदर पेपर वर्क ज्यादा होते हैं ठीक है तीसरी बात ये होते हैं कि जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनके पास डॉक्यूमेंट्स इतने प्रॉपर नहीं होते हैं और बैंक इसका भूखा होता है डॉक्यूमेंट्स का भूखा होता है बैंक को डॉक्यूमेंट्स आइए होते हैं तो वही रीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे द बोरोवर्स माइट नॉट हैव प्रॉपर गारंटी और कोलैटरल जो लोन लेने वाला है उसके पास प्रॉपर गारंटी या कोलैटरल में देने के लिए कुछ नहीं होता है बैंक को सर तो बैंक्स एंड विलेज मेंबर्स को प्रॉफिट होता होगा किस सेंस में बात कर रहे हैं बेटा गेमर अभिषेक आप ठीक है द प्रीवियस टैक रिकॉर्ड ऑफ द बोवर रिगार्डिंग लोन रिपेमेंट इज नॉट गुड जाहिर सी बात है अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और अगर आप ई चुकाने में लेट हो जाते हैं तो एक वर्ड होता है बेटा सिबिल है ना वो सिबिल आपकी खराब हो जाती है आरबीआई के जरिए उसको क्या किया जाता है उसे जनरेट किया जाता है अगर आप किसी एक बैंक से पैसा लेते हैं और टाइम टू टाइम अपनी ई नहीं चुकाते हैं तो इससे क्या होता है आपका सिबिल स्कोर खराब होता है और जब आप दोबारा लोन लेने जाते हैं तो आपका लोन नंबर डालते ही या आपका नाम डालते ही आपका सिविल स्कोर सामने आ जाता है पूरा प्रीवियस ईयर का जो लोन का आपका जो ट्रांजैक्शन रहा है वो सारा का सारा सामने आ जाता है अगर उस टाइम पे आपने ई रेगुलर चुकाई है तो बैंक आपको दोबारा लोन दे देता है लेकिन अगर आपने ई चुकाने में कुछ थोड़ी देरी कर दी है या बहुत टाइम लगा दिया है तो बैंक यहां पे दोबारा लोन देने में आपको थोड़ा आ, मतलब कंजूसी करता है या देता नहीं है ठीक है बेटा द पर्पज फॉर विच द बोर ओवर टू टेक लोन इनवॉल्स वेरी हाई रिस्क और अनसर्टिनिटी एंड द बैंक हैज द डाउट ऑफ गेटिंग एस लोन बैक और जाहिर सी बात है जब बैंक लोन देता है बेटा तो वो पर्सन की सैलरी के अकॉर्डिंग भी देता है

बैंक इज नॉट सेटिफा विदर्पज फॉर द बोरोवर टेकिंग द लोन अगर बैंक सेटिसफाई नहीं होता है कि लोन लेने वाला किसी सही पर्पज से लोन लेना है तो बैंक उसको लोन नहीं देता है द बोरो इज नॉट एबल टू प्रेजेंट अ प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोइंग कन्विंसिंग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ठीक है फर्जी दिखाकर ले सकते हैं इफ द अंट ऑफ द लोन इज वेरी हाई विज द बैंक इज नॉट विलिंग टू लैंड अंगल बोरो द आरबीआई है बैंक टू लैंड सर्टन कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स ठीक है जैसे एनपी होता है ना नॉन प्रॉफिटेबल अटेट होते हैं इनकी तीन महीने से नब्बे दिन से ज्यादा जो होती है ई एमआई चुक नहीं पाती है चुका नहीं पाते हैं उनको भी क्या करता है बैंक एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देता है और उनको दोबारा लोन नहीं दिया जाता है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो आरबीआई के जरिए सेटअप किए गए हैं सभी बैंक के ऊपर के 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 इन इन नेम्स के इन तहत 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 रूल्स एंड जो है आप लोन देंगे या नहीं देंगे तो कुछ इस ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बैंक जो है लो, आ, लोन नहीं देता है अब सबसे सिंपल पार्ट आया है बेटा आपके आ, केस स्टडी क्वेश्चन का सबसे सिंपल पार्ट आपको देखने को मिलता है एस के अंदर यहां से बारह में से बारह मार्क्स आपके आराम से देखने को मिल जाएंगे बेटा क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देखने को मिलेंगे सिंपल इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि आंसर जो है वो आपको केस स्टडी के अंदर ही देखने को मिल जाएगा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कोशिश करना है बेटा जितने भी इसमें सवाल बनेंगे केस को बहुत अच्छे से पढ़ना है सारे के सारे जवाब आपको वहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे क्या है बेटा चलिए समझते हैं इट इज इज सेड ऑफ पैसिव दैट द वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग ये पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है कौन बताएगा कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए बेटा पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा पैसिव रेसिस्टेंस को किसका कमजोरों का हथियार बताया गया है लेकिन महात्मा गांधी का क्या कहना है कि ये एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ स्ट्रांग पर्सन ही यूज कर सकता है पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए <laughs> बताइए बेटा बेटा, बेटा पर्सनल लोन इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है गेमर अभिषेक एज मैटर करती है चलो वो तो ठीक है बात आपके समझ में आ गई एज तो मैटर करती है लेकिन पर्सनल लोन में डिपेंड ये करता है कि आप लोन कितना ले रहे हैं प्लस आपकी अर्निंग कितनी है ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल लोन में एक चीज याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा ठीक है ये बात ध्यान रखना बेटा तीन चीजें क्या बता रहा हूं मैं गेबर अभिषेक क्या बता रहा हूँ बेटा मैं पर्सनल लोन लेने में क्या कि तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत हाई होगी बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट चेक करेगा दूसरी बात एज फैक्टर तो होता ही है लेकिन लोन आप कितना मांग रहे हो प्लस सैलरी आपकी कितनी है उस आधार पर पर्सनल लोन दिया जाता है बेटा बहुत बार फर्जी ईमेल आते हैं कि आप पाँच करोड़ के लोन के लिए एलिजिबल हैं ये सब फर्जी ईमेल होते हैं ठीक है ना आ, लिंक करते ही खाते में से पैसे कट जाते हैं मेरे पास डेली आते हैं से मेल यू आर एलिजिबल फॉर दस करोड़ लोन कोई काम के नहीं है वो गेमर अभिषेक इसको बताओ बेटा पैसिव रेसिस्टेंस क्या है ये पैसिव रेसिस्टेंस बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा अर्जुन निशा निशा चतुर्वेदी बिल्कुल 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 जिसमें हिंसा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सिर्फ पीसफुली तरीके से विरोध किया जाएगा बाय नॉन कोऑपरेशन यानी कि हम क्या करेंगे डिस ओबे द रूल्स जो रूल्स कॉलोनी जो रूल्स कॉलोनी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको हम नहीं मानेंगे और बिना किसी हिंसा के इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे बिल्कुल सही है माउंट आबू हाई सर बहुत बढ़िया बेटा माउंट आबू में टेम्परेचर माइनस वन चला गया है ना बहुत ही शानदार बरसात हो रही है वहां पे इस मौसम तक बढ़िया गर्मी आ जाती है लेकिन वहां पर टेम्परेचर माइनस में जा रहा है आनंद आ रहा होगा माउंट आबू को है माउंट आबू कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा कैसा मौसम है वैसे तो मौसम तो बढ़िया ही है ठीक है बेटा पैसिव रेजिस्टेंस बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया गेमर अभिषेक बिल्कुल सही है बिना किसी हिंसा का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे फास्ट वगैरह करेंगे पीसफुली हम क्या करेंगे विरोध करेंगे और नॉन कोऑपरेट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल भी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट का हम क्या नहीं करेंगे साथ नहीं देंगे ठीक है तो इसलिए से का जाता कि ये कमजोरों का नहीं होता है इसके लिए बहुत ही जिगरा चाहिए होता है इसे साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को लॉन्च किया था ठीक है दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस इनडीड इट कॉज फॉर इंटेंस एक्टिविटी द इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉस नॉट पैसिव बट एक्टिव जैसे सत्याग्रह याद हो पता आपको साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया में आए थे फिर वो है ना फिर जगह जगह पे गए थे वो ठीक है बहुत बढ़िया है सर ठंड लग रही है जबरदस्त वहां पे तो है ना माइनस वन टेम्परेचर सही है ना ये ठीक है तो पैजिव सत्याग्रह वहां पे भी लॉन्च किया था और वहां पे भी नॉन वायलेंस को खूब प्रमोट किया था यानी कि वो एक एक्टिव एक मूवमेंट था सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स ये बात ध्यान रखना बेटा ठीक है ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल डेट इज वाय दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह ठीक है सत्य को लेकर लड़ाई करेंगे बिना कोई हिंसा के हम हमारे विरोध को पूरी तरीके से प्रदर्शित करेंगे ना कोई हम हिंसा करेंगे और ना ही हम किसी के सामने झुकेंगे सिर्फ सत्य का राह अपना के या सत्य का रास्ता लेके हम क्या करेंगे अपनी डिमांड को अपना लेंगे और वाकई में ये बात ही बहुत ही जबरदस्त है कि ये कमजोरों का हथियार नहीं है ये बहुत इसके लिए बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी है, इसके लिए बहुत ही मजबूत होना पड़ता है ठीक है फ्लेम ऑफ लव नॉन सुप्रीम धर्म हिंसा ही क्या है सबसे सुप्रीम uh, धर्म है. इट इज सर्टेन दैट इंडिया के नॉट ट्राइवल ब्रिटेन ऑफ यूरोप इन फोर्स जैसा कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में भी कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रूल इसीलिए कर पाई थी क्योंकि यहाँ के भारतीयों ने सपोर्ट किया था या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के भारतीयों ने उनके खिलाफत नहीं की थी इसी वजह से कुछ चंद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हम सब लोगों के ऊपर राज किया अगर हम लोग चाहते तो उन्हें उसी टाइम पर यहाँ से भगा सकते थे लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से यह हम कह सकते हैं कि हमने पूरी तरीके से विरोध को शो नहीं किया उस वजह से वो लोग यहाँ पे वहा पानी पीते हैं कि खाते हैं अच्छा माउंट आबू है गर्म करके पी लेते हैं बेटा अर्जुन श्रीवास्तव तो। ठीक है तो इन इस फेमस बुक हिंदु स्वराज उन्नीस सौ नौ महात्मा गांधी डिक्लेयर ब्रिटिश रूल वॉज इन इंडिया विद द विदरेशन ऑफ इंडियंस और कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी कि अब कोई भी चीजें नहीं कॉपरेट करी जाएगी तो ये केस स्टडी है बेटा और इससे रिलेटेड सवाल बनेंगे यहां से बहुत ही सिंपल सवाल देखने को मिलेंगे बहुत ही लल्लू सवाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं वाई डिड गांधी जी से पैसिव रेजिस्टेंस नॉट द वेपन ऑफ द वीक क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा था कि पैसिव रेजिस्टेंस कमजोरों का हथियार नहीं है क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले

मत करके आना फिर बाहर आके बाद बोलोगे कि पेपर छूट जाता, जाता है फिर वो तो गया तो गया फिर साल गया वो पूरा ठीक है सत्याग्रह यूजेज द फोर्स ऑफ ट्रुथ विच इट्सेंस ऑफ द सोल इज डॉर्म विद नॉलेज दैट इज वाई सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स एनएसएसओ क्या होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा जिसका नाम बदल के अब सीएसओ कर दिया गया है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रखर यूट्यूब हाँ बेटा एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बेटा अब इसका नाम बदल के हाँ बेटा आप बताइए अब है अब बताओ बेटा बाबूराव हेमंग जैन राम सिंह आवाज आ रही बेटा विजिबल दोनों क्लियर हेमंग जैन सर फैन सर सर बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आवाज आ रही बेटा बता दो फटाफट राम सिंह हेमंग जैन बेटा वॉइस आ रही है बेटा चले बेटा आगे चले वॉइस बिल्कुल क्लियर है एकदम यस yes, हाँ बेटा राम सिंह बहुत बढ़िया बेटा तो ये केस महाराष्ट्र इज अ स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र है महाराष्ट्र uh, in एक बहुत ही शानदार स्टेट है इंडस्ट्रियल स्टेट इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा यहाँ पे सेटअप हो रखी है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 110 मिलियन पीपल द स्टेट इज होम टू सेवरल लार्ज सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई मुंबई जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं ठीक है बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी सारे सितारे देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे एंड एज ए सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं लेकिन हाव एवर द स्टेट इज फेसिंग ए सेवर वाटर क्राइसिस जितना बड़ा शहर होगा उसकी दिक्कतें भी उतनी बड़ी होगी जितना बड़ा राज्य होगा उसमें समस्याएं भी उतनी बड़ी होगी बेटा तो महाराष्ट्र जो कि सेवर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर भी ठीक ठाक है बढ़िया लेवल पे है लेकिन वाटर क्राइसिस भी काफी ज्यादा वो फील फेस uh, कर रहा है विद वाटर रिसोर्सेज कमिंग अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से देख रहे बेटा सबसे ज्यादा जो आपको डिसएडवांटेज uh, देखने को मिलेंगे ना उसको में दो चीजें के साथ आपको देखने को मिलेगी एक तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हमेशा डिसएडवांटेजेस में आते हैं जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रेवोल्यूशन ने इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ठीक है बेटा तो महाराष्ट्र तो इसमें क्या है बेटा क्या क्या रीजन है बेटा ओवर एक्सप्लोर्टेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है ना बोरिंग कर करके जमीन के पानी को निकाल लिया गया है जो कि सिर्फ मतलब उसका प्रिंट कल्चर कब करवाओगे सर बेटा क्वेश्चंस निकल गए उसके राम सिंह आप एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए हमने प्रिंट कल्चर को समझने की कोशिश करिए बेटा ठीक है राम सिंह तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आगे बताता चलूंगा बेटा आलोक पंडित बहुत बढ़िया बेटा ठीक है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जो पानी उसको खोद खोद के हमने निकाल लिया है बोरिंग के जरिए ठीक है जो कि इलिगल है पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर सरफेस वाटर पर जो हमारे पास पानी उससे हमने पॉल्यूट कर दिया है इंडस्ट्रीज की वजह से ठीक है बेटा <coughs> अच्छा थर्टी वाला बताना है आप लोगों को बेटा ठीक है एक थर्टी फोर बता देता हूँ मैं आपको ठीक थर्टी फोर में हमने देखा था बेटा गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस क्यों कहा था मतलब गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा गया कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है कमजोरों का हथियार नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग लोगों का हथियार है क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था सत्याग्रह को प्योर सोल फोर्स क्यों कहा था क्योंकि सत्याग्रह यूज द फोर्स ऑफ ट्रुथ सत्य के मार्ग पर चलना है ना कोई हिंसा का इस्तेमाल करना है बस सत्य के राह को अपना के हमें अपना क्या कर लेना है काम कर लेना है ठीक है ठीक है और क्या है बेटा वॉट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बेस्ट वेपन वीपन टू कोस ब्रिटिश रूल इन इंडिया वही हमारा क्या था बेटा सत्याग्रह उन्होंने बताया था हिंद स्वराज 1909 में जैसा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय के कॉपरेशन के बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ब्रिटिश रूल जो है कभी भी इंडिया के अंदर स्टेब्लिश नहीं हो सकता था ये चीज इसमें हमने बताने की कोशिश करी थी ठीक थी। है अब हम देख रहे थे बेटा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में वॉटर क्राइसिस क्यों क्यों है बेटा इन एफिशियंट इरीगेशन प्रैक्टिस की वजह से केस स्टडी क्वेश्चन में याद रखना है बेटा सारा का सारा आंसर इसी में से मिल जाएगा बस इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बारह नंबर बिल्कुल आसानी से ले जाओगे बीस एमसी फटाफट सही करके आ आ गए वेरी शॉर्ट भी करके आगे सत्तर पिछहत्तर तो कहीं भी नहीं जाएंगे जो एक दिन पहले भी पढ़ के जा रहा है 10 दिन पहले पढ़ के जा रहा है वो भी साठ सत्तर लेके आ जाएगा लेकिन आप लोगों ने साल भर मेहनत करिए बेटा आराम से एस के अंदर सौ में से सो लाना मुश्किल होता है थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है हम एटी आउट ऑफ एटी की बात करते हैं थ्योरटिकल सब्जेक्ट है लेकिन अच्छे प्रेजेंटेशन और अच्छे राइटिंग स्किल्स की वजह से आप एटी आउट ऑफ एटी भी इसमें ला सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ला सकते हैं बस प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए जितना पूछा गया उतना लिखा है और उसको भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो पूरा काम हो जाएगा ठीक है सवाल देखिए क्या बनते हैं इसमें से जो महाराष्ट्र वाला वोटर रिसोर्स हमने पढ़ा मेंशन एनी वन रीजन अब वन पूछा है तो यहां पे वन ही लिखना है बेटा है ना ज्यादा समझदार नहीं बनना है तीन चार नहीं लिख के आना यहाँ पे ठीक है हाँ मेंशन एनी वन रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस बाय द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र तो वैसे तो अपने पास बहुत सारे अर्बेजेशन भी है ठीक है रीजन क्या है उसके पीछे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है जो सरफेस वाटर उसको भी क्या कर दिया है पॉल्यूट कर दिया वहीं से कॉपी पेस्ट करने आपको सीधा सीधा आंसर वहां से पढ़ना है और यहीं पर ही लिख देना है ठीक है ये बात ध्यान रखना है सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है ठीक है बेटा थैंक यू सर बाबू राव तो नब्बे में से अस्सी लेके आएगा बिल्कुल बेटा फिर तो इलेवंथ में पक्का जाओगे आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है नीटिकेट दॉर क्राइसिसियरिगेशन प्रैक्टिसन स्प्रिंकलर सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं सोल्यूशन आप बता सकते हो कि वॉटर क्राइसिस कैसे निपटा जा सकता है, जो हो रहा है वो अक्षय कुमार बता रहे हैं सर साइंस में फेल हो गया हूँ ठीक है ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा समझ लो जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं जिसे हम ओपन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं इस देश का सामान दूसरे देश में बेचा देश जा सकता है दूसरे देश का सामान यहाँ पे बेचा जा सकता है मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, है इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं सिंपल सी बात है ओपन इकोनॉमी वैश्वीकरण जिसे हम बोलते हैं ठीक है जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाता है या पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री मानकर सभी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं वो सिचुएशन ग्लोबलाइजेशन कहलाती है जयप्रकाश देवर अब बताओ ग्लोबलाइजेशन के तीन चार डेफिनेशन दे दी ओपन इकोनॉमी होती है ये बात ध्यान रख लेना परम 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 परम, परम मित्र ठीक है

ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या होगा सर ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज इसका आपको एग्जांपल ये पता लग सकता है कि आप घर में कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो मेड इन इंडिया कर रहे हो या बाहर वाले कर रहे हो ठीक है ये देख लेना बस ग्लोबलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है हिंट काफी है कृष्ण कुमार बाकी आप समझ जाओगे मैप अभी करेंगे बेटा आगे थोड़ी सी देर में, में दिस्पारिण दिस्पारिण दे दिस्था। दिस्था। है ना इसके बाद मैप ही आएंगे बेटा डिस्पाइट बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र स्टिल फेसेस वाटर क्राइसिस जैसे कि देखा जाए तो हमारे अर्थ को पूरा क्या कहते हैं हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉटर स्क्योरिटी देखने को मिल जाती है तो वही चीज है यहाँ पे ठीक है वो है बात तो क्या क्या है ट्रेडिशनल इरीगेशन टू वाटर शॉर्टेस महाराष्ट्र सारे के सारे आंसर जो है बेटा आपको क्या है उसमें देखने को मिल जाएंगे आई एम गेमिंग सर हेलो माई सर नेम इज अक्षत ओके बेटा ठीक है ये हमारा वॉटर का क्या है हमारा एक केस केसवेस स्टडी है मैप आई रहे हैं, बेटा बस बस ये केस क्वेश्चन और कर सिंपल सा जेंडर डिवीजन को हमारे समझाता है वो सिंपल सा है देखते हैं बेटा फटाफट समझने की कोशिश करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन स्टार्टिंग से ही ये रहा है हेमंग जैन हा बेटा बहुत बार ले लिया आपका नाम है एग्रीकल्चर के फाइव मार्कर का आ सकता है क्या बिल्कुल आ सकता है बेटा एग्रीकल्चर में फाइव मार्क्स का आ सकता है बिल्कुल आ सकता है एग्रीकल्चर बहुत ही शानदार चैप्टर है मैंने

घर पे बिल्कुल भी वो क्या करते हैं खुद उठ के उनसे पानी भी नहीं पिया जाता है लेकिन फिर भी क्या होता है उनको सारी की सारी अटेंशन देखने को यहां पे मिल जाती है समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो वेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मेन जब इन चीजें कामों के लिए जो काम एक लड़का बाहर कर रहा है या एक एक मेल मैन कर रहा है है उन चीजों के लिए उसको पैसा मिलता है, और वही काम जो एक लड़की घर पे कर रही है जब उसे ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा सेक्सुअल डिविजन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन फील्ड इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क इज डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास होम्स वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस इनफेक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू समर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू

एनसीआर में लाइन टू लाइन चीजें पढ़ के जाना है इतना अच्छा पढ़ के जाओगे अभी टाइम ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है रिविजन करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है उन वीडियो से बच के रहना है कि पेपर यहीं से छपेगा वहीं से छपेगा अभी तो अगर से दस दिन पहले देख रहे थे तो वो तो ठीक था वहां तक टाइम पास हो जाएगा अभी ये टाइम आ गया है कि ये क्या होगा ध्यान खींचेंगे आप लोगों का समय बर्बाद होगा और कोई मतलब नहीं मिलेगा हाँ अगर रिविजन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी वीडियो भी देख ली जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अभी अगर रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी सिंपल सी बात है बेटा एनसीआर ले अपनी नोटबुक ले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर उसको याद करने बैठ गया ठीक है फालतू का समय बर्बाद मत कर इस टाइम पे ये बहुत पछतावा देती है बाद में चीजें कि पढ़ना क्या था और करके क्या और हुआ क्या ठीक है तो ये बाद में दिक्कत देगी बेटा ठीक है तो सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर से ये चीजें हो जाएगी सर ये बच्चे आपको परेशान करे तो बताना ये बापुर सर खोपड़ी फोड़ देगा बहुत बढ़िया अच्छा ठीक है बात करेंगे इस बात करेंगे तो क्या बेटा आर इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे आर सोसायटी स्टिल मेल डोमिनेटेड पेट्रियाल गिवन एग्जांपल टू तो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट अभी हमने थोड़ी सी देर पहले एग्जांपल देखा है यहां पे लिटरेसी रेट का एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने देखा वो कंट्री में लिटरेसी रेट लगभग लगभग वुमेंस की अभी नया डाटा तो है नहीं फिफ्टी है और बॉयज की या हम कह सकते हैं मेल्स की जो है वो सेवेंटी के पास क्या दिखता है बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं बेटा खूब सारी मार्केट में किताबें आती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैसे भी क्वेश्चन बुकलेट आप लेके आ जाए उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर सिलेबस कंप्लीट

लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी सेटअप की गई है अच्छा एमसीक्यू को लेकर बेटा एक चीज ध्यान रखना जो वन से लेकर ट्वेंटी तक आपके एमसीक्यू आते हैं और अगर उसमें से कोई सवाल नहीं बनते हैं तो ट्वेंटी वन से लेकर थर्टी सेवन तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार कभी कभार उन एमसीक्यू का जवाब आपको उन के अंदर ही मिल जाएगा इस चीज को गौर करना एक से दो क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है ठीक है इंजाम खान नाम है बेटा मेरा है मेरा ये ध्यान रखना बेटा मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं लेकिन हमारे में नेगेटिव मार्किंग होती है तुम्हारे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो तुम्हें स्कोप पूरा मिलेगा वन से लेकर तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ट्वेंटी से थर्टी सेवन तक के सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ना उन सवालों को एमसीक्यू के जवाब मिलने के चांसेस होते हैं ऐसा होगा तो तुम याद करोगे मुझे कि सन्ने सी बात बोली थी ठीक है यह हमारा क्या हो गया है एक तरीके से ये हो गया अब मैप आ गया मैप जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं बेटा नेशनलिज्म इंडिया आपको पढ़ के जाना है और नेशनलिज्म इंडिया in आपको पढ़ के जाना है और आपको क्या करना है बस ये मैप है हमारा लास्ट इसको क्या करना है तरीके से आपको देखना है तो मैप हम समझते हैं बेटा नेशनलिज्म इंडिया अच्छे से पढ़ के जाना हिस्ट्री के दो क्वेश्चन यहाँ से बैठेंगे आपके और चार क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आएंगे ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920 वो जगह बताया आपको मैप में जहां पे इंडियन कांग्रेस का सेशन हुआ था आ, 1920. इसमें भी दो चीजें ध्यान रखनी बेटा एक सेशन हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में और एक सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कलकत्ता में हुआ था वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था और जो वहां पे अपने जो नागपुर वाला सेशन हुआ था वहां पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या था प्ले फिर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लो ये सभी को पता है फटाफट कॉमेंट सेशन में बताना डांडी डांडी कहाँ

नेशनलिज्म इन इंडिया बेटा नेशनलिज्म याद रखना आपको तो ठीक है बेटा ये ध्यान रखो जो नागपुर सेशन हुआ था वो कहा है सॉरी oh, कलकत्ता सेशन है ना और ये हमारा कौन सा हो गया जहां पे ब्रोक किया था सॉल्ट लो को डांडी मार्च हो गया था हमारा ठीक है और ये क्या हमारा कोल माइन इन तमिलनाडु कहाँ पे बेटा नेविली है तमिलनाडु में मार्क कर रखा उसको और ये चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में बन रहा है बेटा ये जम्मू कश्मीर है ना चेनाब नदी समझ पा रहे हो बेटा बेटा सेशन तो बहुत सारी जगह हुए हैं सेशन का मतलब समझो बेटा जहा पे साल के एंड में कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स मिलके मीटिंग करते हैं उसको सेशन बोलते हैं ठीक है वो काफी सारे हुए हैं बेटा 29 में भी हुआ है वो आईएनसी सेशन जिसे हम बोलते हैं सेशन का मतलब होता है जो साल के एंड में पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर जो एक जगह पे मीटिंग करते थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा क्या मुद्दों पे बातचीत करी जाएगी वो सेशन कहलाता है ठीक है होने में अलग अलग जगह हुए हैं सारे पढ़ के जाने ठीक है हाँ वो सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे बेटा बाबू राह क्या कह रहा हूँ मैं ठीक है और ये विशाखापट्टनम हमारा सी पोर्ट आ गया है और ये नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ गया है जो कि हमारा कहां पे है उत्तर प्रदेश में है ठीक है नेशनलिज्म इन इंडिया से सवाल पढ़ के जाने हैं एक मैप हम और देख लेते हैं इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स टू प्लेस इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट था वो कहां पे प्लेस किया गया था फटाफट बता दो बेटा फटाफट बता दो पे था चंपारण चंपारण बिहार है ना ठीक है और द प्लेस द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी वाला कौन सा आ जाएगा बेटा नागपुर आ जाएगा याद रह जाएगा ठीक है नागार्जुन सागर डैम इंडिकेट करना है किसी स्टेट में है मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं बेटा है हाँ ना मीना बक्कम बक्कम का मतलब क्या होता है बताओ कोस्टल एरिया से रिलेटेड है ये अकलेश्वर ऑयल फील्ड कहां पे देखने को मिलेगी अपन को यह अक्लेवर ऑयल फील्ड

और क्या नागार्जुन सागर बांध ये रहा हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे हमें देखने को मिल जाएगा ठीक मीना है मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनों कहा है चेन्नई तमिलनाडु कालाबकम न्यूक्लियर पावर प्लांट काला चेन्नई तमिलनाडु अक्लेशर रॉयल फील्ड भरूच भरूच कहाँ पे गुजरात में तो ये क्या है बेटा हमारे मैप है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके लिए लेके आया बेटा एक लास्ट में कुछ, कुछ, कुछ के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि हम सभी सिलेबस को कंप्लीट कर पाए यूट्यूब की लॉटरी यानी कि यूट्यूब की कमाई लुटाई बच्चों पर एनवी सर का वादा लॉटरी थ्री ओ, मोशन है तो भरोसा है ठीक है मैक्स भाई शोभिन मैं क्या कर रहे हो बच्चों मेरा नाम मत लो ठीक है ठीक है बेटा तो लॉटरी में क्या क्या खास बात है ये देखिए बेटा लॉटरी वन पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो भी तो आई है बेटा ये बात ध्यान रखना ठीक है तो लॉटरी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रिवर्स में क्या होगा बेटा एक बच्चा जो लकी विनर होगा बेटा उसे फ्री रेजिडेंशियल ऑफलाइन को, कोटा कोचिंग मिलेगी यानी कि रेजिडेंशियल के साथ साथ उसे कोचिंग करने को भी मिलेगा एक बच्चे को ठीक है जो लॉट फ्री मिलेगी बेटा और फ्री ऑफलाइन कोटा कोचिंग यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है बेटा यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन कोटा कोचिंग देखने को मिलेगी कितने बच्चे को देखने को मिलेगी बेटा ट्वेंटी स्टूडेंट्स को आपको देखने को मिलेगी और ये सभी बच्चों पर अप्लाई होती है चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हो चाहे वो मेडिकल के बच्चे हो चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हो बेटा सरप्राइज एवॉर्ड क्या है बेटा वन फिफ्टी वन लखंड है नाइनटी परसेंट की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लकी स्टूडेंट्स को सेवेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप मोशन दे रहा है यहाँ पे यूट्यूब की कमर

और क्या है बेटा और 500 मोशन ऑनलाइन क्लास अब सबसे इंपॉर्टेंट ये तो चीज आप समझ लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा सर बोल बोल के लोग जोर जोर से बोल के लोग को स्कीम बता दो हाँ बेटा स्कीम बताना बहुत जरूरी है ठीक है बेटा तो आपको जो गूगल फॉर्म दिख रहा होगा बेटा जो यूट्यूब सेक्शन पे आपको आ रहा है वो गूगल फॉर्म आ रहा है आपको इस गूगल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा इस गूगल फॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी क्या कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक चीज इसमें आएगी बेटा जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके लिए एक पेज खुलेगा ठीक है वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होगा बेटा ये जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है अपना नेम डालना है यहां क्लास सेलेक्ट करनी है मोबाइल नंबर ई मेल और रजिस्टर नाव पे क्या करना है आपको क्लिक करना है ठीक है चलिए आगे चलिए आगे क्या देखने को मिलेगा हमें आगे और क्या देखने को मिलता है एक सेकंड बेटा लाइन पे बने रहो ठीक है तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट है बेटा ये एस एस टी क्या है या एस एस टी का मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट है बेटा सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट का मतलब ये होता है बेटा टेंथ के बाद बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है वो कंफ्यूज रहते हैं कि इलेवंथ में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है या नाइथ और टेंथ के बच्चे वाले वो बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम इलेवंथ में कौन सा सब्जेक्ट लें तो आप वो जो मैंने अभी प्रोसेसर दिखाया था वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जाएंगे तो ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट पर लेके जाएगा वहां पर आपका एक सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट होगा उस टेस्ट को देने के बाद मोशन आपकी मदद करेगा जानने में कि आपकी किस सब्जेक्ट में बेहतर रुचि डेवलप होगी किस सब्जेक्ट में आप एक अच्छा इंटरेस्ट ग्रो कर पाएंगे और किस सब्जेक्ट में आप आगे जाके एक बेहतर ही अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाएंगे तो इस लिंक पे जाने के बाद बेटा या इस नंबर पे भी कॉल करके देख सकते हैं आप सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट जरूर दें क्योंकि टेंथ एग्जाम होने के बाद आपके लिए इसके बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है ए गेमिंग बेटा क्या करना है ये बताओ क्या बताऊं एक बार और बेटा बताओ मैप करवाए ना बेटा मैप सिंपल है बेटा मैप में नेशनलिज्म इन इंडिया को अच्छे से पढ़ के चले जाओ है ना डैम कुछ पढ़ के चले जाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर प्लांट पढ़ के चले जाओ आईएनसी के सेशन पढ़ के चले जाओ बेटा है ना और महात्मा गांधी ने कहा कहां से कहां कहां पे कैसे कैसे मूवमेंट चलाए थे वो पढ़ के चले जाओ जैसे चोरी चोरा इंसिडेंट किसी स्टेट में हुआ था है ना इंडिगो प्लांटर्स पे हुआ था ए गेमिंग आपके लिए बता रहा हूँ बेटा ये मैं सर साइंस में फेल हो गया बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड आउट ऑफ कोई दिक्कत नहीं है बेटा ठीक है बेटा तो कुछ इस तरह का सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट आपको देना है जिससे कि आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि इलेवंथ में आप कौन से सब्जेक्ट में और भी बेहतर कर सकते हो ठीक है बेटा हाँ बेटा वो एक मिडल ईस्ट कंट्री थी बेटा ठीक है मिडल ईस्ट कंट्री थी बेटा वो चलिए बेटा ठीक है फिर आई होप बेटा मैंने कोशिश करी है पंकज सर और हमने कोशिश है पंकज सर मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे आ जाए आज पंकज सर आ जाइए आ जाइए तो हमने यहाँ पे कोशिश करी है बच्चों आपको एस एस टी का सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है सर बिग फैन लॉट ऑफ लव कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो आई होप आप लोग सेवंथ ऑफ मार्च का आपका एग्जाम है बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना है तरीके से पढ़ के आना है बेटा एक एक सवाल को सिर्फ उतना ही अटैम्प्ट करना है जितना वर्ड लिमिट है फालतू का लोड नहीं लेना है अभी इंटरनेट से थोड़ी दूरी बना के रखनी है रिविजन ज्यादा से ज्यादा करना है बेटा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आई होप हम जल्दी ही आपसे लाइव सोल्यूशन मिलेंगे सेवंथ ऑफ मार्च को जब आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद हम लाइव सोल्यून में आएंगे एक बच्चा पूछ रहा था कि मयंक सर नहीं आया तो मयंक सर उस हमसे जुड़ेंगे वो ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइव सॉल्यूशन का तो अब हमें इजाजत दीजिए बेटा ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए सर बच्चों को विश कर दीजिए वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम पूरा कीजिएगा एटलीस्ट हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है और जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखने की कोशिश कीजिएगा समय को यूटिलाइज कीजिएगा बचाइएगा दो मार्क्स के क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि भाई फोर्टी वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है तीन मार्क के क्वेश्चन में सिक्सटी वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है पांच मार्क के क्वेश्चन में अराउंड हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं एम सी क्यू करने हैं दो मार्क्स से क्वेश्चन करना है आपको यकीन मानिए पैंतालीस से पचास मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं उसके बाद थोड़ी बहुत मेहनत करनी है हमको पांच मार्क के क्वेश्चन में और मैप की स्किल्स के लिए आप नेशनलिज्म इन इंडिया को जरूर पढ़ें और साथ ही साथ